नमस्कार दोस्तों, मेरे रेडियो के डिजिटल मंच पर आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, करियर एकेडमी के डिजिटल मंच पर आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि हमने कल बात की थी कि हम शैक्षिक अवधारणा के बारे में पढ़ रहे हैं और हमने कल रूसो के शैक्षिक सिद्धांत के बारे में पढ़ा था, जो थोड़ा डेप्थ में इसलिए पढ़ा गया था ताकि आगे के जो सिद्धांत है वो अगर फास्ट पढ़ेंगे, थोड़ा तेज पढ़ेंगे, जैसे एक दिन के दो या तीन, देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनको एक दिन में दो कंप्लीट हो सकते हैं, यानी कि 1 आवर की आपकी क्लास होती है, और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको थोड़ा और तेज खींचेंगे, क्योंकि सिलेबस कल आ भी गया है। आयोग ने क्लियर कर दिया है कि 30 नंबर का पैडागॉजी का सेक्शन होगा, और ये हम पहले दिन से कह रहे थे। हालांकि बच्चे बहुत कंफ्यूज थे, वो सोच रहे थे कि जो टीचर बता रहे हैं ये इसलिए तो नहीं बता रहे हैं कि बच्चा जो है पैडागॉजी ही पढ़े। भाई जिसने अगर पूरा का पूरा, जब आपने बीएड किया होगा, आपके बीएड के कंप्लीट सेमेस्टर का पूरा कोर्स दे रखा है, सीटेट यूटेट का जितना भी सिलेबस आता है सब दे रखा है, एलटी का पहले तक जितना पूछा गया सिलेबस है सब दे रखा है, लेक्चर का पूरा का पूरा सिलेबस दे रखा है, साथ में जो है टेक्निकल एजुकेशन को और ज्यादा टॉपिक बढ़ाकर दे दिया है, तो सोचिए कि आयोग उस समय भी क्या चाहता था। हमने बच्चों को बहुत समझाने की कोशिश की, पर बच्चों को लगा कि ऐसा होता ना, अब आयोग ने कह दिया अब तो सभी मान ही लेंगे उस बात को। और हमने पहले भी सभी वीडियोज में, जो भी बच्चे अभी ऑनलाइन देख रहे हैं तो वो भी जानते हैं कि पहले की वीडियो आप चेक कर सकते हैं, हमने पहले भी कहा था कि लगभग 25 नंबर तो तब भी आएगा चाहे वो कितना भी कम देना चाहे, क्योंकि 5 यूनिट है। तो 5 यूनिट में देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि 5 यूनिट अगर उसको प्रॉपर पढ़ा जाए, जैसे पढ़ा जाता है, जैसे हमने कल रूसो का शैक्षिक सिद्धांत पढ़ा, फिर भी थोड़ा मैंने उसको जो है हाइड किया था काफी कुछ, अगर उसको मैं प्रॉपर पढ़ाता तो उसी को पढ़ाने के लिए 3 दिन चाहिए, यानी कि 3 घंटे की क्लास चाहिए, तब जाकर के उसको हम डेप्थ में पढ़ सकते हैं और ज्यादा। तो अगर ऐसे हम एलटी के सिलेबस को पढ़ने लग जाएंगे तो 1 साल 1.5 साल 2 साल लग जाएंगे सिलेबस को कंप्लीट होने में, इतना समय तो है नहीं किसी के पास। दूसरा, जुलाई में अभी फिलहाल परीक्षा प्रस्तावित है, निर्धारित तो नहीं है, परंतु चलो जुलाई में ना भी हुई तो 5 महीनों का कोर्स है ही नहीं है, इसलिए थोड़ा सा सिलेबस को देखते हुए पढ़ना बहुत जरूरी होता है। हमने पूरे सिलेबस पर जिस दिन चर्चा की, हमने बताया था कि रीजनिंग बहुत हार्ड लेवल का नहीं पूछेगा, इजी टू मॉडरेट होगा, या तो बहुत इजी क्वेश्चन होंगे या थोड़ा सा 10 क्वेश्चन अगर पूछेगा तो 10 में से 2-3 क्वेश्चन थोड़ा टफ पूछ सकता है। टफ मतलब जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है उनको लगेगा कि ये कैसे हल करें, ठीक है। और तीसरी बात कि जो उत्तराखंड और जीएस की हमने बात की थी, हमने पहले भी कहा था उसमें क्या लिखा है इसको जरा ध्यान से देखिए, कितना ऐसा सिलेबस दे रखा उन्होंने उत्तराखंड और जीएस का, उसमें करंट अफेयर भी पूछेगा। अब कल तो पूरा ही क्लियर हो गया कि 30 नंबर का पैडागॉजी आएगा, 10 नंबर का रीजनिंग आएगा, बाकी बचे हुए 10 नंबरों में आपका उत्तराखंड भी आना है, जीएस का इतना बड़ा पोर्शन आना है और करंट अफेयर भी आएगा। तो अब आप सोचिए कि किस हिसाब से पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है जी। तो चलिए, अच्छी बात है कि आप आयोग ने जो है ये क्लियर कर दिया है वो कितना पूछेगा, क्योंकि सिलेबस बहुत लेंथी था। मैं पिछले लगभग 7-8 सालों से ये पढ़ाता आ रहा हूँ, सीटेट यूटेट एलटी लेक्चरर सारे बैच पढ़ाए हैं मैंने, कोई भी ऐसा बैच नहीं है पैडागॉजी या सीडीपी से लेकर, सीडीपी तो बहुत सरल है, सीडीपी तो इसका सेकेंड यूनिट है खाली, इसमें तो 5 यूनिट है। जब सीटेट यूटेट के लिए अगर 6-6 महीने भी पढ़ाया जाता है ना तो सीडीपी में ही लगे रहते हैं,
ठीक है ना, जीन पियाजे को पढ़ाओ दो दो तीन तीन दिन तक, कॉग्निटिव उसका जो थ्योरी है ना, संज्ञानात्मक सिद्धांत पूछा भी जाता है, इम्पोर्टेंट ये है, कोलबर्ग को पढ़ाओ। तो ये सब चीजें हमें पहले ही पता था कि अगर इतना लेंथी सिलेबस दिया गया है, इसीलिए जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपका अनुभव, जब आप सिलेबस को देखते हैं, जिसने सिलेबस पूरा पढ़ा होता है उसको पता होता है कि जितना इन्होंने इतना लेंथी सिलेबस दिया है तो फिर ये क्वेश्चन किस हिसाब से बनाएंगे, क्योंकि अधिकतम क्वेश्चनों की संख्या कितनी रहेगी, 30 रहेगी अभी भी। तो 30 नंबर में आपको लगभग 160 या 170 के आसपास टॉपिक पढ़ने हैं। तो इसका मतलब है कि जो रेशियो बनेगा 30 नंबर के लिए, तो 5 टॉपिक में से, मैं यूनिट तो 5 ही है लेकिन टॉपिक लगभग 160-170 आते हैं उसके अंतर्गत। तो उन 5 यूनिट में जो टॉपिक बनेंगे वो 4-5 टॉपिक में से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब वो क्या पूछा जाएगा, अब खुद ही सोचिए कि कैसे पढ़ना है। देखिए, तय तो आप ही को करना है, और होता क्या है कि समय है, निकल गया तो निकल गया, और अगर आपने उसको काबू में कर लिया, या फिर दो चीजें होती हैं यहां पर, एक होता है डेस्टिनी और एक होता है आपका कर्म, यानी कि जो आप कर रहे हैं, जो आप अपने बुद्धि से कोई डिसीजन लेते हैं तो वो भी कहते हैं कि डेस्टिनी पर ही आधारित होता है। अगर आपकी डेस्टिनी आपको सही रास्ते पर ले जाना चाहती है तो आप रिस्क जरूर लेंगे जीवन में, क्योंकि अधिकतर कोई भी मैं इंसान की बात करूं, किसी विद्यार्थी की बात करूं, किसी भी तरीके से, आप हमारा हिंदुस्तान इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि भेड़ चाल हर जगह पर देखी जाती है अक्सर, ठीक है नहीं? उसका परिणाम क्या होता है? देखिए, रिजल्ट की अगर मैं बात करूं, मैंने पहले भी कहा और ये बात कोई झूठ नहीं है, आप मेरा 8 साल का रिकॉर्ड देख सकते हैं, मैं 8 साल से पढ़ा रहा हूं सीडीपी। मैंने जो है सीटेट यूनिट में हमने 100 से ऊपर बच्चों का बैच पढ़ाया है, 100 से ज्यादा बच्चों का सीटेट में। इसका प्रमाण जो है, जिस दिन कोई मांगेगा तो मेरे पास एक नहीं कई प्रमाण है, वो मैं अभी यहां पर नहीं बताना चाहता हूं, ठीक है नहीं? ऐसे ही जो है मैंने एलटी का जो बैच पढ़ाया, तो वो ग्रुप सी के बच्चे भी जानते हैं कि जब मैं ग्रुप सी की क्लास पढ़ा रहा था तो जिस बच्चे का सिलेक्शन हुआ सिर्फ सीडीपी के आधार पे 27 मार्क्स थे उसके, बहुत बड़ी बात होती है 30 में से 27 नंबर लाना एलटी में। मैं नहीं कह रहा हूं कि वो सिर्फ मेरी वजह से आए, लेकिन वो बच्चे भी जानते हैं कि हमने 3.5-4 घंटे की क्लास रात को दे रखी है उनको ऑनलाइन माध्यम से, वो भी व्हाइट बोर्ड में। उस समय डिजिटल बोर्ड जो है था नहीं, शायद देहरादून में नहीं था जहां तक मुझे लगता है, पिछला जो एलटी का पेपर आया था किसी किसी के पास होगा। तो इस तरीके से जो है हमने पढ़ाया था, और उसी नॉलेज के बेस पे हम पहले भी कह रहे थे बच्चों को कि भाई अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़िए, क्योंकि सफलता के लिए इंपॉर्टेंट है आपकी स्ट्रेटेजी। अगर रणनीति नहीं है, जिसने जैसा कहा वहीं की तरफ आप दौड़ गए, तो फिर जो है आप कहीं ना कहीं खतरे में हैं, ठीक है नहीं? तो कहने का मीनिंग ये था कि चलिए ये एक अच्छी बात है कि हमारा अनुभव अभी फिलहाल काम आ गया। आयोग ने अब जब ये सिलेबस का मार्किंग दिया, तो मैं जो पहले दिन से बच्चों से कह रहा था, कई बच्चे यकीन भी नहीं कर रहे थे, मैंने कहा आएगा सीडीपी का जो सिलेबस है वो कम से कम 25 नंबर का आएगा, 20 से 25, फिर भी मैं यहाँ कम लेके आ रहा था, जबकि मैं कहना यही चाह रहा था कि भैया 30 नंबर के सिलेबस में को भी हमने पढ़ाया है, जब एलटी में 70 नंबर का आता है सब्जेक्ट पहले, और 30 नंबर का ये पेडागोगी आता था, वहां भी कितना सिलेबस पूछा गया था हमें पता है। अब इस बार तो भर भर के दे दिया। एक्चुअल में बीएड के जो सेमेस्टर वाइज टॉपिक हैं वो बहुत कम दिए जाते थे पहले, क्योंकि उनको भी पता है कि देखिए बीएड जिन्होंने नया नया किया है तो उन बच्चों को तो कुछ याद भी रहेगा। अब इसमें पार्टिसिपेंट या कॉम्पिटिटर वो लोग भी तो हैं जिनको बीएड किए हुए भी 10 साल हो गए, आपको लगता है कि 10 साल में, अच्छा दूसरा क्या है कि इसका व्यावहारिक जीवन में उपयोग होने के बावजूद भी हम इस सब्जेक्ट को पढ़ते नहीं है कभी, अगर पढ़ते तो फिर तो बहुत आसान होता है, जबकि ये व्यावहारिक विषय है। पेडागोगी जो है ये क्या है, एक्चुअल में साइकोलॉजी का मतलब क्या है, मनोविज्ञान, मन का विज्ञान, ये हर जगह काम आता है, हर जगह काम आता है। ये जो आईएएस के इंटरव्यू का जो पैनल बनता है उसमें एक स्पेशल जो इंटरव्यू लेने वाले 5 सदस्यीय टीम होती है, कभी 5 होती है, कभी 6, कभी 4, तो उनमें से एक बंदा सिर्फ साइकोलॉजिस्ट होता है, काला चश्मा पहन के बैठा रहता है, वो कभी कोई क्वेश्चन नहीं करता है। उसको बैठाने का रीजन जानते हैं आप? उसको बैठाने का रीजन होता है कि वो सिर्फ पढ़ता है, क्योंकि उसने मनोविज्ञान पढ़ रखा है, उसको पता है कि जब जब किसी बच्चे के, यानी कि सामने बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति हो, उसके मन में
जो वो हरकत करेगा, वो जो वो प्रतिक्रिया देता है, वो प्रतिक्रिया तभी उत्पन्न होती है जब उसके मन में उस तरह का विचार चल रहा होता है। जैसे कि कोई घबराया हुआ है, उसको आपको पूछने की जरूरत नहीं है कि भाई आप घबराए हुए हो क्या, नहीं, वो फिर भी ना ही बोलेगा, इंटरव्यू देने आया है। तो साइकोलॉजिस्ट जो उसके हरकतों को, वो जो है हाथों को यूं कर रहा है, कुर्सी को यूं पकड़े हुए है, थोड़ा सा जो है कह सकते हैं कि अच्छे से खुद को एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, बैठे हुए में कभी इधर को एडजस्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, घबराहट है ना। तो इसलिए जो है यहाँ पे मैं फिर क्लियर करना चाहता हूं, देखिए आपके है लाइफ का सवाल, आप लोग तभी बिलीव कीजिएगा जब आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठाएं और जो हमने टॉपिक पढ़ा रखे हैं उस टॉपिक को समझने के बाद उस तरह के क्वेश्चन हल करना शुरू करें, और आपको बिलीव हो जाए कि जो हमने पढ़ाया उससे आप उस क्वेश्चन को हल कर पा रहे हैं। या अगर बाय द वे कोई क्वेश्चन ऐसा है, देखिए क्योंकि फुल में से फुल मार्क्स तो कभी आते नहीं, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो आपसे क्या हमसे भी हो सकता है हल ना हो, ऐसा आवश्यक नहीं है। देखिए कोई किसी सब्जेक्ट का टीचर है, फंस तो कोई कहीं भी सकता है, ऐसा कहना तो अतिशयोक्ति हो जाएगी कि हम कभी फंस ही नहीं सकते, ये गलत बात है, ये सत्य नहीं है, कहने का मीनिंग है तो फंस कोई भी सकता है, परंतु क्या होता है कि चार में से दो ऑप्शन होते हैं उन पर आप पूरी तरीके से नेगेटिव हो सकते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकते, बचे दो, उन दो में से फिर 50-50 का मार्जिन आ जाता है, मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन वो जो सभी के लिए एक जैसे हो जाते हैं, इसमें स्टूडेंट टीचर वाली कोई बात नहीं, आप कितना भी पढ़ लीजिए किसी भी सब्जेक्ट को, पूर्ण ज्ञाता नहीं बन सकते। आप देखिए साइकोलॉजी में इतने दार्शनिक है, अगर एक ही व्यक्ति सबको समझ सकता था तो इतने दार्शनिक ही नहीं होते, ये भी तो तभी बने ना जब एक ने पूरी पूरा का पूरा थ्योरी नहीं दे पाया कोई, तभी तो दूसरा उत्पन्न हुआ, उसी की आलोचना से कह लीजिए, उसी के ज्ञान को थोड़ा और बढ़ाने के लिए, है ना। तो आपके कैरियर का सवाल है, इसलिए जो है आप प्रश्नों को भी हल करें, माध्यम ढूंढें, फिर जो पढ़ाया जा रहा है उससे आप जो है पहले खुद हल करें, नहीं हो रहा है तो आप हमसे पूछिए, यहाँ पर जो है मिलकर हल करेंगे उस क्वेश्चन को, ठीक है। नहीं आप हमें पहले कोई क्वेश्चन बताने की आवश्यकता नहीं है, सीधे से उठा के लाइए क्वेश्चन, ये जो टॉपिक पढ़ाया है इससे संबंधित ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जरा बता दीजिए, आप और हम मिलकर उस पर जो है डिस्कस करेंगे, उसका आंसर निकालेंगे, ठीक है ना। क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए यहाँ आपको ज्ञान देने से कोई मतलब नहीं है, कि मैं ये नहीं चाहता कि आपके पेपर तक आपको नॉलेज तो बहुत हो पर प्रश्न हल नहीं हो पा रहे, इसका देखिए समझना तो जरूरी है, नॉलेज तो अपने आप ही होगा तभी तो आप आंसर दे पाएंगे, लेकिन मेन रीजन है कि आप सबसे पहले परीक्षा के लिए आपको तैयार किया जा रहा है, न कि मनोविज्ञानी नहीं बनाया जा रहा है, और मनोविज्ञानी नहीं बनाया जा रहा है तो आपके नॉलेज से यानी कि ज्ञान से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके वो फैक्ट या वो कुछ शब्द या वो कुछ कह सकते हैं किसी के द्वारा दी गई थ्योरी को पहचानने का वो तरीका, वो आपको पता होना चाहिए, वो बेस पता होना चाहिए आपको। जैसे कल हमने रूसो पढ़ा, तो रूसो में आपको जो है चार छह बातें याद रहनी चाहिए जो हमने डिस्कस की थी, कि रूसो का सोचना ऐसा था, हमने उसकी जीवनी पर भी इसीलिए प्रकाश डाला था, उसका खुद का जीवन कुछ ऐसा व्यतीत हुआ था कि उसने उसी के आधार पर बहुत सारी चीजें लिखी, हो सकता है कि उसका कहना सही नहीं हो, ये भी सत्य है, ठीक है ना। तो कहने का मीनिंग यही है कि आप जो है अब मैं उतना डेप्थ में नहीं जाऊंगा क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है। देखिए अगर मैं बच्चों को रिझाने के लिए या फिर अपना नॉलेज प्रदर्शित करने के लिए या फिर मैं ये कहूं कि भाई यहाँ टीचर के पास बहुत सारा मेटेरियल है, स्टडी मेटेरियल, इस चीज को प्रदर्शित करने के लिए मैं समय वेस्ट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा भी उद्देश्य क्या है कि आप लोग जो देखिए स्टूडेंट्स टीचर पर बिलीव करके ही आता है, उसको एक भरोसा होता है कि हाँ यहाँ से मुझे जो है मदद मिलेगी, और वैसे भी 90% आप ही लोगों के हाथ में है, 10% होता है टीचर के हाथ में, अच्छा गाइड कर सकता है, अच्छा मेटेरियल प्रोवाइड कर सकता है, अगर 90% मेहनत आपने नहीं की तो सिलेक्शन हो ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है, ठीक है नहीं। अगर बात की जाए किसी भी के भी अगर सफलता की, देखिए जहां पर अगर कहीं 1000 बच्चा पढ़ रहा है, अगर इसमें से 10 बच्चों का सिलेक्शन होता है, एन एग्जांपल की मैं बात कर रहा हूं, क्या रेशियो रहा ये, है ना, निकालने में भी कठिनाई होगी जिस रेशियो को, ऐसा रेशियो बनेगा, यही तो होता है, रेशियो देखा जाता अनुपात। और कहीं पर अगर इतने बच्चे पढ़ रहे हैं और इसमें से अगर 2 का भी सिलेक्शन होता है तो इस रेशियो को देखिए, समझ रहे हैं, ये 20% है,
ठीक है, और इसका परसेंटेज कहां जा रहा है, 1% से भी माइनस में चला जाएगा, डाउन चला जाएगा, ये होता है। इसलिए जो है कहने का मीनिंग यही होता है कि सफलता बच्चे की मेहनत पर निर्भर करती है। 90% आप मेहनत करेंगे, 10% हमारा रोल है। हमारा रोल क्या है कि आप क्वेरी लेकर के आइए, जितना मर्जी जो भी टफ क्वेश्चन आपको लगता है उसको लेकर आइए, इतना खोज तो आपको भी करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए हम तो अपने स्तर से करेंगे, हम क्वेश्चन पेपर भी बनाएंगे, हम आपको अच्छा मटेरियल देने की भी कोशिश करेंगे, थोड़ा कुछ आप लेके आइए, वो आपका कर्तव्य बनता है। क्योंकि 30 नंबर का सवाल है किसी भी सब्जेक्ट में। अब देखिए माना किसी भी बच्चे का 50 नंबर आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट वही होता है, ये एक तरह का जैसे सिविल सर्विसेज में ऑप्शनल होता है, पीसीएस में तो नहीं रहा उत्तराखंड के, आईएएस में तो अभी भी है ऑप्शनल, है ना, जो आपका वैकल्पिक विषय होगा। अब इस 50 में से ऑप्शनल का मतलब होता है कम से कम 30-35 मार्किंग तो करो आप, तभी तो ये ऑप्शनल है। सब्जेक्ट का मीनिंग क्या है, और अगर आप सब्जेक्ट में जो है लगभग 60% भी आप मार्क्स नहीं ला सकते हैं, तो आपका तो टीचर बनना ही व्यर्थ है, मुझे लगता है उस सब्जेक्ट के टीचर किस बात के। आप, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप 100% कीजिए, क्योंकि वो तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन कम से कम 50-60% 65% 70% इतना तो आपकी कमांड होनी चाहिए अपने सब्जेक्ट पे, ठीक हो गया। अगर इतना जो है ये सब्जेक्ट पे कोई बच्चा लेके आता है, यानी कि जिसका सब्जेक्ट अच्छा है, सब्जेक्ट अच्छा है का मतलब है सब्जेक्ट अच्छा बनाना पड़ता है, और सब्जेक्ट को भी अच्छा बनाने के लिए ऐसा नहीं है कि आप एक तरफ से बुक को स्टार्ट करो पढ़ना और उसको खत्म कर दो, ऐसा आवश्यक नहीं है, ये समय के हिसाब से होता है। या तो आपने यही काम जो है 2 साल पहले किया होता, जितनी बुक आई स्टार्ट करो खत्म करो, ऐसा सिविल सर्विसेज में होता है, आईएएस में फैक्ट कोई याद करता नहीं है, क्योंकि वहां तो सब मेन से लिखना होता है भाई, इसलिए एक किताब आज सुबह शुरू की बस खत्म कर दो उसको, शाम तक पढ़ते जाओ, एक बार में 1-2% समझ में आएगा कि इस बुक में पढ़ा क्या, फिर दोबारा उसी बुक को दोबारा पढ़ा, पता चला कि 5-7% पता चल गया इस बुक के अंदर क्या है, तीसरी बार पढ़ोगे 10% पहुंचोगे, चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार, लेकिन जब आप 7वीं 8वीं बार उसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि बुक आप ही ने लिख रखी है, इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं जो आपको ना पता हो। ये मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूं, एक्सपीरियंस बता रहा हूं, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर ये तब होता है जब आप, लेकिन वो तब होता है जब आपके पास समय ज्यादा है, आपको पता है कि 3 महीने में पेपर है, तो किसी भी बुक को आप, इतनी चीजें हैं पढ़ने के लिए, किस किस को आप इतनी बार पढ़ पाओगे। अब यहां से होगी केवल स्मार्ट स्टडी होगी, स्मार्ट स्टडी का मतलब क्या है, थोड़ा सा रिस्क भी होता है इस स्टडी में, मतलब कि आपको बेसिक सब कुछ पता होना चाहिए, सब कुछ। अब उसमें क्या होगा, जब वो 30 क्वेश्चन आएंगे, अगर आपको लगभग सभी टॉपिक्स के बारे में लगभग सब कुछ पता है, तो उसमें से आपके जो है 22-23 इतने नंबर आने की संभावना रहती है। जो मैं 27 की बात कर रहा हूँ, उस बच्चे की भी उतनी एबिलिटी नहीं होगी, कुछ कभी कभी डेस्टिनी, भाग्य होता ना, सिलेक्शन होता है, होने का होता है, 2-4-5 तुक्के अच्छे लग जाते हैं, वही तो है भाग्य। मैं भी उस चीज को मानता हूँ, बेशक उसको साइंस माने ना या माने, लेकिन ये एक फैक्ट है, होता है भाग्य, मैंने खुद देखा है, ठीक है ना। आग बंद करके भी किसी ने टिक मारा तो वो सही हो गया, तो कैसे, अब उसको क्या नाम दोगे, अच्छा बताओ, मेहनत तो की नहीं थी, प्रश्न उसको आता नहीं था, लेकिन टिक लगाया सही हो गया, वो पहले उसने बताया कि कभी पढ़ा ही नहीं था मैंने ये क्वेश्चन, तो उसको क्या नाम देंगे, भाग्य नाम देंगे ना, डेस्टिनी तो है वो, यानी कि उसको वहां पहुंचना था, तो कोई भी बहाना चलेगा, थोड़ा तो इस बात का भी ध्यान रखिए। लेकिन उससे सबसे पहले कर्म आता है, ये बहुत बात की बात है, भाग्य पहले कर्म है। तो फिर मैं कह रहा हूं कि सारे टॉपिक्स अगर हम पढ़ लेंगे, सिलेबस कंप्लीट होने को होगा, तो आपको इतने मार्क्स जो है आपकी मेहनत दिला देगी, ये आपके मेहनत के होंगे। अब यहां से आगे को आपकी डेस्टिनी शुरू होगी कि कितने क्वेश्चन या कितने नंबर आपकी डेस्टिनी आपको दिलाएगी, इसमें किसी का दोष नहीं होगा, कल के दिन ना आप अपने आप को दोष देना ना टीचर को दोष देना, क्योंकि एक्चुअली जो है इतने समय में या आपने आज तक जो भी पढ़ा है उतना ही एक्चुअल में मेहनत से लाया जा सकता है, क्योंकि समय कम है। मैं फिर कह रहा हूं कितना पढ़ लोगे किसी भी सब्जेक्ट की, अच्छा एक ऐसा सब्जेक्ट है इस दुनिया में जिसकी एक ही बुक हो, ऐसा कोई सब्जेक्ट है क्या, तो बताइए फिर कितने बुक पढ़ी जाए, या कोई ऐसी प्रमाणिक बुक है जिन पर ये कहा जाए कि इनको ही पढ़ लो सिलेक्शन हो जाएगा, बात खत्म, उनसे बाहर कुछ नहीं आएगा, तब भी इंसान रात दिन करके एक बार पढ़ लेगा, संभव नहीं है।
ठीक है ना। तो मैंने कहा कि मेहनत यहां तक पहुंचा देगी, आप सही तरीके से मेहनत कीजिए, यहां से आगे को आपकी डेस्टिनी तय करेगी कि आप, मैं ये नहीं कह रहा हूं ये नंबर भी असंभव नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है, 30 में से 30 इम्पॉसिबल है, क्योंकि डेस्टिनी की भी एक लिमिट है, वो भी ऐसा थोड़ा है कि 100 के 100 सही करा देगी, ये संभव नहीं है, कहीं ना कहीं वहां पर भी गड़बड़ी हो ही जाएगी, ठीक है ना। तो पर लास्ट रिजल्ट क्या है, हमें मीनिंग मतलब हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है, सफलता, और सफलता का मतलब है कि आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाओ, बात खत्म। तो 30 से 35 नंबर सब्जेक्ट में कवर कर लिए, 20 से 22 नंबर आपने पैडागोगी वाले सेक्शन में कंप्लीट कर लिए, 7 से 8 नंबर आपने रीजनिंग में कवर कर लिए। देखो 5-6 नंबर तो अपने आप ही आ जाएंगे, अगर आपने सब नहीं पढ़ रखे ना मैथ्स, ऐसा तो है नहीं कि जीवन में कभी मैथ्स नहीं पढ़ी, ठीक है। और फिर बचा जीएस, उत्तराखंड करंट मिला करके, चलो नहीं भी पढ़ोगे तो 4 से 5 नंबर लेकर चल लीजिए, ठीक है। अब बनते हैं आपके कम से कम जो है 61 to 70, अगर सही पेपर बनेगा, इजी टू मॉडरेट भी बनेगा, बहुत नंबर है ये 100 में से, ये कम नहीं है। अगर इजी बनेगा तो इसका रेशियो सबके लिए बढ़ जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें ना ही जो है कोई संदेह की बात है। भाई अगर बहुत सरल क्वेश्चन पूछ दिए तो अपने आप मेरिट बढ़ जाएगी, बहुत हार्ड पूछ दिए तो अपने आप मेरिट डाउन आ जाएगी, ठीक है। मैं ये बात कर रहा हूं एक जनरल मेरिट की, फिर आज ही मैं आपको ये लिख के दे रहा हूं कि यही मेरी रहेगी लगभग लगभग हर सब्जेक्ट की, कुछ एक सब्जेक्ट को छोड़कर। अब उनमें भी यही रहेगा, पहले हम कह सकते थे, क्यों, क्योंकि अब सब्जेक्ट का रोल 50% तो है, तो बाकी यहां पर भी तो है ना, खेल तो ये करेगा, इस बार ये खेल करने के लिए लाया गया है, ये 50, ये पूरा का पूरा प्ले के लिए है, ये ऐसा खेल कर देगा कि लोगों को ये समझ में नहीं आएगा कि हमने किया क्या। देखिए जिनका सिलेक्शन होगा ना तो उनको समझ में आएगा कि सिलेक्शन कैसे हुआ, और जिनका नहीं होगा उनको भी नहीं समझ में आएगा कि क्यों नहीं हुआ, इसका रीजन क्या है, ये जो इन्होंने इस बार का पाठ्यक्रम दिया था और अब नंबरिंग दे दी है तो और ज्यादा इसको सीरियस बना दिया मैटर को, ठीक है। नहीं अब ठीक है, आयोग ने जो बनाया कुछ ना कुछ सोच कर दिया होगा। आप जब सीटेट के लिए पढ़ते हैं तो वहां पर कहा जाता है कि भाई किसी भी व्यक्ति को ऐसा नहीं है, देखिए कई लोग कहते हैं कि भाई हिंदी के टीचर को मैथ्स पढ़ाने का क्या मतलब है उनको, कि वो इसलिए, वो केवल वही लोग कह सकते जिन्होंने साइकोलॉजी नहीं पढ़ी है। साइकोलॉजी कहती है सर्वांगीण विकास, साइकोलॉजी कहती है कि हर तरह का नॉलेज। तो अगर ऐसा होता तो अपने जीवन के लिए भी आवश्यक नहीं क्या ये चीजें, मतलब कि आप, अच्छा एक चीज सोचो, आपको केवल जीवन में ऐसा वरदान मिल जाए केवल हिंदी आएगी, बाकी कुछ आएगा ही नहीं, आपको जीवन यापन कर सकते हैं क्या, संभव है क्या? दुकानदार के पास जाएंगे वो अंकों में बताएगा कि 15 + 5 = 20, तो आप वहां हिंदी में कैसे समझ पाएंगे, वो तो इंग्लिश में कह रहा है, वो मतलब आपको तो बेवकूफ बना जाएगा ना, वो 20 की जगह 2000 ले लेगा। फिर कहने का तात्पर्य यह है कि इसके पीछे रीजन है, इसके पीछे साइकोलॉजी सोचते हैं कि हर मानव के पास ना कई तरह के, जब आप सीटेट में पढ़ेंगे तो कई तरह के हमारे अंदर बौद्धिक क्षमताएं हैं, वो रीजनिंग एबिलिटी भी होती है हमारे अंदर, वो अब जो ऑप्शनल दिया जाता है उसका मतलब होता है कि एक ऐसा सब्जेक्ट जिस पर आपका, आपकी बौद्धिक क्षमता अन्य विषयों के मुकाबले बहुत ज्यादा हो, वो आपका ऑप्शनल कहलाता है, उसी को सब्जेक्ट कहा गया, और आपने भी इसीलिए लिया होगा कि हम और सब्जेक्ट से जल्दी इसको समझ सकते हैं, है ना। किसी ने अगर मैथ्स से लिया तो उसको अपने पे बिलीव होगा ना कि मैथ्स मुझे अच्छा आता है, किसी ने इंग्लिश लिया तो उसके अपने अंग्रेजी पे भरोसा होगा, ज्यादातर मैं बात कर रहा हूँ। अब कुछ ऐसे होंगे जिनसे किसी ने कहा होगा अंग्रेजी ले ले भाई, ले लिया होगा, वो एक अलग बात है, वो तो भटकते रहेंगे बेचारे, क्योंकि जिसको अगर अपने बारे में ही ज्ञान नहीं है तो उसने तो भटकना है ही जीवन में, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं, आज मैंने कहा था कि एक दिन में दो, हमें दो दार्शनिकों के शैक्षिक विचार निपटाने का मतलब है कि कंप्लीट करने हैं, ठीक है, निपटाना शब्द गलत हो जाएगा, कंप्लीट करने हैं। तो थोड़ा सा इस तरीके से चलेंगे, कल हमने रूशो पढ़ा है उसका वीडियो भी आप देख सकते हैं, आज हम शुरुआत करते हैं दूसरे दार्शनिक से, रूशो के बाद सीधे नाम आता है किसका, प्लेटो का।
प्लेटो का शैक्षिक सिद्धांत, शैक्षिक सिद्धांत, ठीक है। अब देखिए सबको रूसो से कंपेयर करते चले जाइए, अगर रूसो आपने पढ़ा और थोड़ा सा भी समझ में आया तो जब कंपैरिजन करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। थोड़ा कहा था हमने कि इसकी जीवनी पर प्रकाश डालेंगे। प्लेटो का जन्म 427 ईसा पूर्व में हुआ था, बीसी, ठीक है ना। दो शब्द आते हैं, एक तो आता है बीसी और एक आता है एडी, ठीक है। देखिए जब इतिहास का कालक्रम का निर्धारण किया जा रहा था तो सबको एक समस्या आई कि इतिहास का कालक्रम का निर्धारण करेंगे कैसे, क्या तारीखें होनी चाहिए, क्या सन होने चाहिए। तो सब जगह क्या लिख लिया गया, 01 01 01, फर्स्ट हो गया सब जगह। तारीख एक, महीना एक, साल एक, इसका मतलब ये तो हुआ। अब यहां पे स्थिति को जो है इतिहास को व्यवस्थित करने के लिए ईसा मसीह को, क्योंकि ग्रिगोरियन कैलेंडर किन लोगों ने बनाया, यूनानियों ने बनाया, ग्रीक यूनान में उनके प्रमुख देवता थे ईसा मसीह, तो उन्होंने कहा कि ये ईसा का जन्म मान लेते हैं, इसको ईसा का जन्म वर्ष मान लेते हैं। अब ईसा के जन्म से पहले की घटनाएं क्या कहलाएंगी, बीसी, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह से जन्म के पहले की घटनाएं, ठीक है। और ईसा जब जन्म हो गया था ईसा का, उसके बाद की घटनाएं क्या कहलाएंगी, एडी, एनो डोमिनी, एनो डोमिनी यानी कि ईसा के जन्म के बाद की घटनाएं। तो इसको ईसवी पूर्व कहा गया, या ईसवी पूर्व या ईसा पूर्व, और इसको कहा गया ईसवी, जन्म के बाद की घटनाएं, ठीक हो गया। अब इनका जन्म, हमने कहा प्लूटो का जन्म कब हुआ, जन्म की जो तारीख है वो 427 बीसी है, कई बुकों में 428 भी मिलेगी, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर क्वेश्चन पूछेगा ऑप्शन 427 और 28 दोनों कभी नहीं होंगे, ना ऐसा हुआ है, पूछा गया है क्वेश्चन, या तो 427 पूछेगा या 428, क्योंकि तो ऐसा कई बार इसके ना जन्म में दिक्कत कहाँ आती है कि इसके मृत्यु 81 वर्ष में हुई थी। अब अगर इसके जीवन और मृत्यु की बात करें, इसकी मृत्यु हो गई थी 348 में, 348 बीसी मृत्यु हुई थी इसकी। अब एज देखिए, क्योंकि 427 बीसी है ना, माइनस माना पड़ेगा, तो इधर से चलिए 348 × 52 400 हो गए, क्योंकि बीसी है ना ये, तो यहां तो समय पीछे को आएगा जीरो पे आने के लिए, तो 52 साल ये हो गए और 27 ये हो गए, 52 और 27 कितना हो गया, 348 नहीं। अब इनका जो है एज का रेशियो देखिए कितना बन रहा है, 347 में 53 साल और 27 साल को जोड़ लीजिए, 53 और 27 कितना बन रहा है, 53 और 27, 0 5 2 7 और 1 8, 80 साल बन रहा है ना। मृत्यु इनकी 81 वर्ष की आयु में बताई जाती है, इसलिए जो है ये 427 या 28 दोनों सही है, क्योंकि ये फिर हो सकता है, देखो साल का ऐसा भी होता है ना कि कोई दिसंबर में जन्मा हो, ऐसा भी तो होता है, कोई नवंबर दिसंबर में जन्मा हो तो वो बहुत नजदीक ही जो है एक दो महीने का गैप आएगा, कोई जनवरी में जन्मा होगा तो फिर पूरा ईयर का गैप आएगा, ये तो फर्क होता है। तो 427 और 28 दोनों में से कोई सा भी आए तो राइट होगा। जन्म, इनका जन्म हुआ कहां था, एथेंस में। एथेंस जो है यूनान का सबसे प्रसिद्ध शहर है, यूनान में इनका जन्म हुआ था, एथेंस नगर में। देखिए इनके बारे में दो चीजें आपको बहुत ध्यान रखनी है, इनके गुरु का नाम और इनके शिष्य का नाम। इनके गुरु का नाम क्या था, सुकरात, सुकरात कौन थे इनके गुरु, और इनके शिष्य का नाम क्या था, अरस्तु, और अरस्तु जो है इनके शिष्य थे। तो देखिए तीन पीढ़ियों को ऐसे पढ़ेंगे, कई कई जगहों पर इनकी जीवनियों में कह सकते हैं कि विरोधाभास देखने को मिलता है, कुछ लोग कोई कहानी बताते हैं, कुछ लोग कोई कहानी, और वैसे भी अब हमें इतनी ज्यादा लेंथी कहानियों में पढ़ना नहीं है, हम सीधे से इनके शिक्षा सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे, इनकी रचनाओं पर चर्चा करेंगे, कुछ जो इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछी जाती है रचनाएं। तो इसकी जो है, इसको सबसे पहली बात यह है, इसका वास्तविक नाम प्लेटो था ही नहीं, क्योंकि प्लेटो, प्लेटो का मतलब होता है अफलातून, क्या होता है अफलातून। अफलातून किसे कहा जाता है पता है, जो शारीरिक रूप से बहुत ही हुष्ट पुष्ट, जैसे खली जैसे नहीं दिखता, उसको कह सकते हैं अफलातून। अफलातून किसी व्यक्ति का नाम नहीं होता, अफलातून अपने आप में एक उपाधि है,
किसी व्यक्ति को उसके शारीरिक मजबूती के लिए दी जाने वाली उपाधि। अफलातून कहते हैं कि ये प्लेटो जो था ये कुश्ती का बड़ा शौकीन था, जब भी कुश्ती लड़ने जाता था इसका कुश्ती के कोच ने इसको अफलातून नाम दिया था। ये अरिस्तो का पुत्र था इसलिए इसका नाम अरिस्टोक्लेस था। एक्चुअल नाम क्या था इसका? अरिस्टोक्लेस, अरिस्टोक्लेस इसका वास्तविक नाम बताया जाता है, पर इसमें भी ज्यादा नहीं सोचना है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाए तभी इसकी महत्ता है, अन्यथा प्लेटो नाम से ही फेमस है वो, ठीक है। दूसरा, इन्होंने जो है ये यूरोप का या पाश्चात्य शिक्षा दर्शन से संबंधित पहला स्कूल इन्होंने खोला था। इनके स्कूल का नाम क्या था? अकादमी। स्कूल खोला और स्कूल का नाम क्या रख दिया? अकादमी। अकादमी इनके स्कूल का नाम था। और एक व्यक्ति था एकेडमियस नाम का, एक व्यक्ति जो इनका मित्र बना, उसके नाम से जो है एकेडमी खोली गई, ठीक है ना। यानी कि किसी अपने एक परिचित या दोस्त के नाम पर इन्होंने स्कूल खोला था, नाम से प्रेरित होकर, नाम पर नहीं, नाम से प्रेरित होकर एक स्कूल खोला। अब उस स्कूल में जिस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि शिक्षा संबंधी के विचार वहीं पर इन्होंने अप्लाई किए जो स्कूल खोला। क्योंकि देखो, एक तो कुलीन वर्ग से थे इनके विचार में, और दार्शनिकों के विचार में इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस लगता है क्योंकि अच्छे परिवार से थे भाई। जो अच्छे परिवार से है तो उसने कम संघर्ष देखा होगा, क्योंकि पहले से ही जो है उसका परिवार कुलीन वर्ग का है, उसने वो परेशानी झेली नहीं होगी, उसको नहीं पता होगा भूख क्या होती है, दर्द क्या होता है, परेशानी क्या होती है, स्ट्रगल क्या होता है, ये भी नहीं पता होगा। आज आप पढ़ रहे हैं ना, एक्चुअल में इंसान अपने लिए जो करता है उससे ज्यादा वो अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छा सोचता है। हर पिता ये सोचता है कि मैंने अपने जीवन में जो संघर्ष किया मेरे पुत्र के लिए उस तरह का संघर्ष तो ना हो, हालांकि उसके जीवन में लिखा होगा वो तो होगा ही। मैंने कहा ना डेस्टिनी, डेस्टिनी तो कभी छोड़ती नहीं इंसान को, परंतु सच ये भी है कि हर पहली वाली पीढ़ी अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ अच्छा सोच के चलती और उसमें उसका अपना स्वार्थ भी निहित रहता है। अभी आप तैयारी कर रहे हैं, आप अगर आपको अभी से पता है ना ये बात, चाहे आप बोले ना बोले, पर आपको पता तो है कि टीचर बनेंगे तो खुद के बस जीवन संवर जाएगा, बच्चों के लिए भी दिक्कत नहीं आएगी कल के दिन। अब ये बात कोई सामने बोले ना बोले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर सत्य तो है। अब ये भी इतने अच्छे परिवार से था कि इसकी थोड़ा सोच में भिन्नता थी। अब देखिए, कुलीन वर्ग को संरक्षण कौन देता है? राज्य। कुलीन वर्ग को संरक्षण कौन देता है? राज्य देता है। जितने भी अमीर आदमी है, मैंने कल भी कहा था, मार्क्स के विचारों को सुनोगे तो वो तो कहता है कि दुनिया के गरीबों एक हो जाओ, मजदूरों। क्यों कहता है वो? उसने उस तरह का जीवन देखा था, उसको पता है कि एक मजदूर के साथ किस तरह की ज्यादती होती है। अब एक कुलीन वर्ग का व्यक्ति होगा तो उसने अपने तरह का जो है संसार देखा है। और मैंने पहले भी कहा था कि किसी की जीवनी पढ़ने का मीनिंग है कि उसकी जो सिद्धांत होंगे ना, वो उसके अपनी जीवनी से इंस्पायर्ड होते हैं 90%। 10% वो जो शोध करता है किसी विषय पर, अध्ययन करता है, कहीं कहीं पर उसे लगता है कि हाँ जो मेरे साथ हुआ था, मेरे साथ ऐसा हुआ, लेकिन किसी के साथ ऐसा भी हो सकता है। तो देखिए, इसकी जो रचनाएं हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट इसकी रचना है रिपब्लिक। रिपब्लिक, अब नाम से ही लग रहा है रिपब्लिक, लोगों के बारे में लिखी गई होगी, पब्लिक के बारे में लिखी होगी, जन सामान्य के बारे में लिखी होगी। ये रिपब्लिक रचना इसने किससे प्रेरित होकर लिखी? अपने गुरु से प्रेरित होकर लिखी, ये इसकी अपनी सोच नहीं है। जब जब वो अपने गुरु सुकरात से मिलता था, उसकी विचारधाराओं को सुनता था, न्याय के लिए समाज में आवाज उठाने की बात बार बार जो सुकरात द्वारा की जाती थी, तो वो उससे प्रेरित होकर इसने रिपब्लिक लिखा, और यही इसकी सबसे इंपॉर्टेंट रचना है। इसके अलावा इसकी और रचनाओं की बात करें, द लॉज, ये भी पूछी जाती है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है, ये भी इसकी एक रचना है जो इसका एक संवाद बताया जाता है। अब देखिए, इसके संवाद लेटर के माध्यम से, जैसे नेहरू जी को कहते हैं ना कि वो बच्चों को पत्र लिखा करते थे, ऐसे ही जो है ये भी जो है बहुत सारे पत्र लिखते थे। उनका जो है एक, उन पत्रों में जो भी इन्होंने विचारधारा लिखी, जिस उद्देश्य से वो पत्र लिखे, उन पर आधारित है, कहते हैं ये इनका संवाद था। लेकिन वो पत्र है नहीं किसी के पास, ठीक है ना, लेकिन ऐसा माना जाता है। द लॉज हो गया। इनकी एक रचना और इंपॉर्टेंट है, इऑन। इऑन जो इनके, जो इन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया उस पर आधारित है। इऑन यानी कि वास्तव में जो है, जो इनके साथ, क्योंकि देखो अमीर का बच्चा हो चाहे गरीब का बच्चा हो,
विचरण तो वो समाज में ही करेगा ना, और समाज में तो हर तरह के बच्चे हैं। हो सकता है कि अमीर का बच्चा ज्यादा समय अमीर वाले खेमे में बिताए, पर सामना तो गरीबी से भी होगा उसका भी, गरीब से होगा, गरीबी से नहीं बल्कि गरीब से होगा, तो वहां पर विचारों में प्रतिद्वंदता पाई जाएगी। एक पिक्चर का डायलॉग याद आ रहा है, एक बंदा कहता है इस संसार का बहुत बड़ा सत्य है कि हर गरीब अमीर से नफरत करता है, और उससे भी बड़ा सच है कि वो गरीब बनना भी अमीर ही चाहता है। बड़ा विरोधाभास है ना व्यक्ति के मन में भी, नफरत भी अमीर से करता है, बनना भी अमीर चाहता है। तो इसको थोड़ा सा विचार कीजिएगा कि ये कहना क्या चाह रहा है बंदा, ठीक है ना। तो यही है, ये वास्तविकता है। देखो वो पहला जो पॉइंट है ना कि अमीर से नफरत करना, परिस्थितियां, परिस्थितियों के द्वारा जो मिला हुआ अनुभव है, और जो अमीर बनना चाहता है वो रियलिटी है, बनना तो चाहता, बने ना बने वो अलग बात है। एक ही बात में अपनी ही बात का विरोधाभास होता है इसमें। प्लेटो की अगर हम बात करें तो इन्होंने इयोन में भी इस तरह का जो है अपने कुछ जो उनके जीवन में ऐसी घटनाएं घटित हुई उनके बारे में इन्होंने चर्चा की है। एक और बहुत अच्छी इनकी रचना है द स्टेट्समैन, ये भी कई बार पूछी गई है। ये रचनाएं मैं केवल वही लिखाऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो इन्होंने तो 50 से ज्यादा रचनाएं इनकी, उतना तो नहीं लिख सकते। तो पूछी जाने वाली है, उनमें से रिपब्लिक के लिए पूछा जाता है, द लॉज के लिए पूछा जाता है, इयोन के लिए पूछा जाता है, द स्टेट्समैन के लिए पूछा जाता है, और एक और रचना है फिडो, इसके लिए भी पूछा जाता है। बस इससे अलावा इनकी कोई रचना फिलहाल, अब देखो पूछने को 50 में से कोई से भी पूछी जाएगी, पर अभी तक का अगर मैं रिकॉर्ड बताऊं तो यही रचना इनकी पूछी जाती है कहीं पर भी किसी भी एग्जाम में। तो रचनाएं तो आप इनकी ये याद कर लीजिए। अब देखिए, अब आते हैं इनके सिद्धांत पर। सबसे पहले बात करेंगे, इसको रफ कर दूं, इसको अभी लिखने की जरूरत नहीं, वो नोट्स में आपको पीडीएफ में मिल जाएगा वो सब, ठीक है। हाँ ठीक है, जैसे आपका एक यूनिट कंप्लीट होगा पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखिए ज्ञान का स्वरूप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये किसके शिष्य थे हमने कहा, इनके गुरु का नाम बताइए, सुकरात। और जो आदर्शवाद की हमने बात की ना, आदर्शवाद एक्चुअल में सुकरात ने दिया था, पर आंसर में आ जाता है प्लेटो, क्योंकि इन्होंने थोड़ा उसमें तर्कपूर्ण बातें की थी। ये दिया था आदर्शवाद सुकरात ने, इसीलिए तो सबसे पुराना वाद माना जाता है आदर्शवाद को। लेकिन इन्होंने अपने गुरु की, क्योंकि इनके गुरु थे उनसे तो प्रभावित भी थे, तो इन्होंने तर्क सहित व्याख्या की। आपने कुछ बोला भाई, बुद्ध थे, बुद्ध ने जो भी कुछ बोला, अब आज तो नहीं है ना बुद्ध, लेकिन आज हम अगर बुद्ध की किसी कही हुई बात पर कोई प्रश्न उठाएंगे तो उसका जवाब कौन देगा, बौद्ध भिक्षु देंगे ना कोई कोई, जो अभी जिनका जो अभी उनमें से सबसे बड़े होंगे पद पर। तो तर्क सहित व्याख्या वो जो है आदर्शवाद की प्लेटो ने की थी। और आदर्शवाद अगर बात करें तो ये दिया था किसने, इनके गुरु ने दिया था अरस्तु ने, इसलिए उसको सबसे प्राचीन वाद कहा जाता है। और हमने कल प्लेटो की भी बात की कि वो भी आदर्शवाद को मानता है, सॉरी रूसो की बात की, रूसो भी आदर्शवाद को मानता है लेकिन शिक्षा में प्रकृतिवाद को मानता है, और ये सारी बातें हमने कल ही क्लियर कर दी थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ज्ञान का स्वरूप इनके द्वारा, इन्होंने कहा ज्ञान तीन रूपों में प्राप्त किया जा सकता है। पहला इन्होंने कहा इंद्रियों द्वारा, इंद्रियों द्वारा। अब इंद्रियों द्वारा ज्ञान जो प्राप्त होगा ये वास्तविक ज्ञान है, ऐसा ही कहा गया था ऋषियों के द्वारा। तो इन्होंने थोड़ा सा ऐसा कहा कि इन्होंने कहा कभी कभी इस ज्ञान में भी धोखा हो जाता है, ऐसा बोलते हैं ना कि नजरों का धोखा हो गया, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो देखा वो सत्य ना हो। अच्छा, इसके पीछे परिस्थितियां हो सकती, मुझे किसी पर बहुत ज्यादा बिलीव है कि वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेगा, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं, कोई कारण ऐसे बने कि वो ऐसा व्यवहार कर रहा है, तो मैं जो देख रहा हूं वो नजरों का धोखा है, रियलिटी वो कुछ और है, ऐसा भी तो हो सकता है। परिस्थितियां मजबूर कर देती है ना किसी के लिए भी, भाई कोई बहुत ईमानदार पुलिस वाला है, फिल्मों में देखते हैं बहुत ईमानदार है, उसके बच्चे को ही किडनैप कर लिया, मजबूर हो गया वो गुनहगारों का साथ देने के लिए, तो वास्तविकता तो वो नहीं है जो वो कर रहा है, समझ रहे। तो इन्होंने कहा कि इंद्रियों द्वारा दिया गया ज्ञान पहला पॉइंट जरूर है, स्टेप जरूर है, लेकिन इसमें भी कभी कभी धोखा होने की संभावना रहती है, यानी कि इसमें भी पूर्णता नहीं है, अगर इसको कहा जाए तो इसमें पूर्णता नहीं, कभी कभी धोखा हो सकता है, आपके चखने में धोखा हो सकता है, स्वाद में। इंद्रियों का मतलब क्या है, कर्म इंद्रिया और ज्ञानेन्द्रिय,
देखने में धोखा हो सकता है, सुनने में फॉल्ट आ सकता है, हो सकता है सामने वाले ने कुछ और कहा, हमने कुछ और सुना, या किसी ने कुछ सही भी कहा हो तो हमने उसको कुछ और वे में ले लिया, वे भी तो होते हैं। मूवीज वूवीज में भी ना देखो साइकोलॉजी क्या है, इसको तो पूरी दुनिया से जोड़ लो बस। एक मूवी में वो बताते हैं ना कि वो अच्छा शब्द के कई रूप होते हैं, अच्छा हमें समझाएगा इस तरीके से, उस अच्छा का अलग रूप होगा, अच्छा वो सोचने वाला हो गया, इस तरीके से कहने का मतलब क्या है कि सामने वाला किस वे में कह रहा है और हमने उसे किस वे में लिया। इसलिए इंद्रियों के ज्ञान को इन्होंने कहा कि कभी कभी इसमें भी धोखा हो सकता है। उन्होंने कहा दूसरा प्रकार का ज्ञान होता है जिसको कहते हैं सम्मति द्वारा लिया गया ज्ञान, सम्मति द्वारा। अब इस सम्मति का मतलब क्या है, जो ज्ञान हम अपनी उत्सुकता के कारण लेते हैं, क्यूरियोसिटी, कभी कभी हमें किसी चीज को जानने की उत्सुकता होती है, अगर हमें उस चीज को जानने की क्यूरियोसिटी है। अब उन्होंने कहा कि ये केवल क्यूरियोसिटी के माध्यम से ही नहीं, अब उत्सुकता आपके अंदर है ठीक है, लेकिन जरूरत तो नहीं कि आप खुद ही ट्राई करो, आप किसी से पूछ भी तो सकते हैं, तो ये इस तरह का ज्ञान भी तो हो गया जो औरों से लिया जा रहा है। दोनों आगे इसमें उत्सुकता आपके अंदर है, आपके अंदर किसी प्रश्न को जानने की इच्छा है, माना आपने मुझसे पूछा, क्यूरियोसिटी तो आप ही की है ना, जानने की इच्छा तो आप ही की है, वो मैं भी हो सकता हूं, यानी कि किसी और के माध्यम से भी सीखा जा सकता है या फिर खुद से करके भी सीखा जा सकता है कि वास्तव में ऐसा ही है। थॉमस अल्वा एडिसन ने जैसा किया था, अपनी टीचर से पूछता है कि कोई ये पक्षी कैसे उड़ते हैं, वो कहती है इसमें पंख है, वो कहता पतंग कैसे उड़ती है, फिर उसमें तो पंख है नहीं, टीचर चुप, वो कहती अब क्या बोलूं, पंख में इसमें पंख क्या होता है, पतंग में तो पंख होते नहीं, उसका दिमाग इतना तेज, वो कहता है कि अच्छा ये जो जो पंख वाली चीजें होती है ये इसलिए उड़ती है क्योंकि इनके पास पंख है, वो सारे पंख वाले कीड़ों को पकड़ता है एक ही में मिक्सर करके उसका घोटा बना करके अपनी नौकरानी को पिला देता है ट्राई करने के लिए कि ये उड़ती है या नहीं, ठीक है ना, पता चलता हूँ बीमार पड़ जाती है, अब ये कौन सा तरीका, कीड़े मकोड़े खिला दो उड़ने लग जाएगा कोई, ऐसा तो नहीं है ना। तो ये क्यूरियोसिटी है बच्चे की, कहने का मीनिंग क्या है कि उत्सुकता ऐसे भी काम करवाती है, लेकिन जब इस तरह की उत्सुकता थी तभी तो वो जो है दुनिया का पहला व्यक्ति बना जिसने बल्ब का आविष्कार कर दिया, पूरी दुनिया को रोशनी दिखा दी, देखा जाए तो अंधेरे में, क्योंकि सूर्य का भी एक अपना टाइम है ना, नहीं तो लालटेन ही चलता रहता है, तक लैंप ही चलता रहता, मोमबत्ती अगरबत्ती जो भी है ये सब चलता रहता, बल्ब नहीं होता, एडिशन नहीं होता, तो ठीक है। तो ये क्यूरियोसिटी की वजह से होता है, तो उस बच्चे के बचपन में ही पता चल गया था कि ये कुछ ना कुछ तो करेगा, तो ये उसकी क्या थी, क्यूरियोसिटी थी। ऐसा उसने क्यों किया, उसको वास्तव में पता नहीं था कि वो कीड़े मकोड़े खा करके जहरीले भी तो होंगे कीड़े मकोड़े, उसकी नौकरानी मर भी तो सकती थी उसकी क्यूरियोसिटी के चक्कर में, और वो इतना तेज क्यूरियोसिटी के मामले में खुद क्यों नहीं पिया उसने, दूसरे को क्यों पिला रहा भाई, है ना। तो ये जो है एक क्यूरियोसिटी, इसको कहते हैं उत्साह होता है जो आप किसी भी माध्यम से जाइए, या तो खुद करके देख लीजिए, या तो वो खुद कर पी करके भी देख सकता था कि इसका परिणाम क्या होगा, या फिर दूसरों के माध्यम से देख लिया। तो ऐसा ही जो होता है प्रश्नों में भी होता है, अगर हमारे अंदर उत्सुकता है या तो हम खुद भी ढूंढ सकते हैं या तो हम किसी के माध्यम से भी ढूंढ सकते हैं, अनुकरण भी कर सकते हैं किसी का इसमें। और तीसरा ज्ञान इन्होंने कहा विवेकार्जित ज्ञान, विवेकार्जित ज्ञान यानी कि अपने विवेक से अर्जित किया गया ज्ञान। अब विवेक से अर्जित, विवेक शब्द से तात्पर्य क्या है, एक प्रश्न के दो उत्तर हैं और दोनों उत्तर सही हैं, विवेक का अर्थ बता रहा हूं, उसको समझने का प्रयास कीजिएगा, विवेक कहते किसे, एक प्रश्न के दो उत्तर हैं और दोनों ही उत्तर सही हैं, लेकिन एक थोड़ा ज्यादा सही होगा, एक उससे थोड़ा कम सही होगा, आपको थोड़ा ज्यादा वाला चुनना है, तो आप विवेक वाला काम कर रहे हैं। इसका एग्जाम्पल मैं आपको पॉलिटिकल साइंस के एक एग्जाम्पल से दूंगा। पॉलिटिकल साइंस में हमारे देश के राष्ट्रपति को एक शक्ति प्राप्त होती है, विवेकाधीन शक्ति, है ना, अन्य प्रकार की भी कई शक्तियां उनके पास, विधायी शक्ति भी है, कार्यपालिका शक्ति भी है, न्यायपालिका शक्ति भी है, बहुत सारी शक्तियों के बीच में एक और शक्ति है विवेकाधीन शक्ति है। वो जो उनके विवेक पर निर्भर करती है, उसका प्रयोग कब होता है, संविधान कहता है कि राष्ट्रपति इसका प्रयोग तब करेगा जब उसके सामने में माना किसी भी पार्टी को 200 सीटें चाहिए बहुमत के लिए, और इत्तेफाक से हो ये गया कि सामने वाली पार्टी के पास भी कितनी सीटें हैं, 200। अब अगर एक के पास 199 भी होती तो चुनना आसान था, तब तो विवेक की आवश्यकता ही नहीं है, तब तो फैक्ट काफी है, अंक काफी है,
कि भाई 199 वाले को हटा दो, 200 वाले को चुन लो, बात ही खत्म होगी। विवेक कहां से उसमें जरूरत पड़ रही है? तो विवेक की आवश्यकता तब पड़ती है जब यहां पर दोनों ही आंसर सही है, अर्थात दोनों ही एलिजिबल हैं। अब आप किस पार्टी को पहले मौका दोगे? अगर आप देख लीजिए, अगर आप सही वाला आंसर नहीं चयन करेंगे तो आप पर यह भी आरोप लग सकता है कि आपने ये कैसे कर दिया भाई, मतलब दोनों एलिजिबल है ना, बराबर है, तो आप क्या जवाब दोगे उसको कि मैंने आपको क्यों नहीं चुना? ये होती है विवेकाधीन शक्ति। यहां पर राष्ट्रपति के लिए भी बड़ी समस्या होती है, तब वो क्या देखता है? तब वो ये देखता है कि इन दोनों पार्टियों में से जिनके पास बराबर बहुमत है, इन दोनों में से कौन सरकार बनाने के लिए ज्यादा स्टेबल है, किसकी तरफ रुख ज्यादा स्टेबल है। अर्थात जैसे किसी ने क्या है, फिर वो क्या देखेगा, इसकी जो 200 सीटें आई है वो कितनी पार्टियों के गठबंधन से आई है? यहां पता चला 20 पार्टियों के गठबंधन से आई है, और यहां पता चला कि तीन ही पार्टियां हैं। देखो धोखा तो ये भी कर सकते हैं, पर ज्यादा चांसेस किसके अच्छे रहेंगे? इसके, तीन ही तो है, 20 को संभालना मुश्किल है ना तीन के मुकाबले। तो इस तरीके के फिर कई डिसीजन को सोच करके तब जा करके किसी एक को मौका देना होता है, वो होता है विवेक। विवेक की जब बात आती है तो वहां पर सारे ही क्वेश्चन आंसर सही होते हैं, आंसर सारे सही होते हैं, बस बेस्ट को चुनना होता है। तो कैसे चुना जाए, ठीक है ना? तो ये कहते हैं कि विवेकार्जित ज्ञान ऐसा ज्ञान जो गलत कहीं से भी नहीं है, लेकिन आपको उस अच्छे में से भी और अच्छा निकालना है। एन एग्जाम्पल, अब छोटे से बच्चे को आपने भी बोला कि भाई झूठ बोलना पाप है, गलत है, आपने सिखाया उसको, अच्छी बात है, झूठ नहीं बोलना चाहिए बच्चे को। बच्चे ने, किसी और ने भी कहा, देख क्या झूठ बोलने वाला है भाई, तो उसने कहा मैं झूठ बोलूंगा तो मेरे दोस्त को 10 डंडे पड़ेंगे। उसने कहा अगर तो झूठ को ना बोले तो क्या होगा? तो ना बोले तो ना बोले, कोई बात नहीं, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, भाई किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा? नहीं, किसी का नुकसान तो किसी का नहीं हो रहा। दूसरे ने उसको सलाह दे दी कि तब तो श्री कृष्ण ने भी कहा है भगवद गीता में कि ऐसा सच भी बोलने से कोई फायदा नहीं जिससे किसी और का नुकसान हो रहा है। कहने का मतलब क्या है, दोनों ही बातें सही थी ना, झूठ बोलना भी गलत था, लेकिन कहीं पर सच बोलना भी गलत है। ऐसा सच जिससे किसी का नुकसान हो रहा है वो भी गलत है। तो कहने का मतलब है कि विवेक का वहां पर इस्तेमाल होता है जहां पर चीजें गलत कहीं भी नहीं होती है, सही सही होती है, पर ज्यादा सही को चुनना होता है। उन्होंने कहा ऐसा ज्ञान, अपने विवेक से अर्जित ज्ञान। अब इस तरह की कई सिचुएशन से बच्चे को अगर आगे निकाला जाए तो वो बेहतर को चुनने में उसको मदद मिलेगी। उसको पता है दोनों ही चीजें अच्छी है, बेहतर है, लेकिन उन दोनों में से ज्यादा फायदा किससे? वो अगर पढ़ाई कर रहा है, दो सब्जेक्ट हैं, उसने कहा कि भाई यहां से भी अच्छा मौका मिल जाएगा, कॉमर्स कर लो, साइंस कर लो, वहां से भी अच्छा मौका मिल जाएगा स्ट्रीम। अब वहां पर वो जो है उसको सजेशन बहुत सारे मिल गए, कहा कि आर्ट भी अच्छा है तो है, बीए तो सबका ही माना जाता है, चाहे आप आर्ट से करो, कॉमर्स से करो या साइंस से करो। फिर क्या हुआ कि उस बच्चे ने, अब वो किसकी बात माने, साइंस वाले की बात माने, आर्ट की या कॉमर्स की? उसका विवेक वहां पर जागृत होना चाहिए कि उसके लिए क्या बेहतर, क्या वो साइंस स्ट्रीम को जो है झेल पाएगा, या उसके उसका जो नॉलेज का जो इंटरेस्ट है वो किस वे में है, वो कहानियों इतिहास आदि पढ़ने में ज्यादा रुचि रखता है, या फिर जो है ये सांख्यिकी पढ़ने में ज्यादा रुचि रखता है, स्टैटिस्टिक्स पढ़ने में, या फिर जो है वो उन चीजों में प्राकृतिक विज्ञान में ज्यादा रुचि रखता है। तो वो अपने विवेक से लेगा ना डिसीजन वहां, क्योंकि तीनों ऑप्शन तो सही थे ना, बताने वाले ने तो गलत नहीं बताया कि भैया बीए करोगे तब भी, सॉरी आर्ट लोगे तब भी बीए ही होगा, आप कॉमर्स लोगे तब भी बीए ही होगा, आप बीएससी करोगे तब भी बीए ही माना जाएगा, अर्थात स्नातक माना जाएगा, बात है ग्रेजुएशन की, समझ गए ना आप? तो ये है विवेकार्जित ज्ञान, इस तरह का ज्ञान जहां बच्चा जो है गलत कुछ भी नहीं होता है, लेकिन सही में से भी सबसे अच्छे सही को चुनना पड़ता है। तो ये ज्ञान का स्वरूप किसने बताया? तीन तरीके से ज्ञान प्राप्त होता है, कहा किसने? प्लेटो ने। और तीन तरीके के ज्ञान की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि पहला ज्ञान उसने बोला इंद्रियों द्वारा अर्जित किया जाएगा, लेकिन उसने बोला कभी कभी इसमें भी त्रुटियां हो जाती हैं, जो कि रूसो ने क्या बोला था कि यही ज्ञान वास्तविक है, इंद्रियों द्वारा प्राप्त होने वाला ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है, ऐसा बोला था रूसो ने। इसने नकार दिया, इसने कहा कभी कभी धोखा हो जाता है, ये पूर्ण रूप से सत्य नहीं है, इसमें पूर्णता नहीं है। फिर इसने कहा चलो ठीक है, सम्मति द्वारा ज्ञान, यानी कि उत्सुकतावश हमने जो ज्ञान ग्रहण किया उन्होंने, फिर उन्होंने कहा कि उत्सुकतावश भी जो हम ज्ञान ग्रहण करते हैं, चलो अगर किसी चीज के लिए ज्ञान, कोई ज्ञान ऐसा भी तो हो सकता है जिसके लिए उत्सुकता तो नहीं है लेकिन वो ज्ञान आवश्यक हो, जैसे अभी बहुत सारे बच्चों को जो है
वो चाह रहे थे कि केवल सब्जेक्ट ही 100 नंबर का दे देते। अब यहां ना तो इंद्रियों के द्वारा ज्ञान की बात है, ना ही उत्सुकता है। 50 नंबर का उन्होंने जो है ये दूसरा पे फर्स्ट पेपर दे दिया एलटी का, ये तीसरे प्रकार का हो गया अब, क्योंकि ना तो ये जो है उत्सुकता थी उनकी इसमें, और ना जो है इनकी इंद्रियां इसके लिए तैयार थी, उनकी इंद्रियां सब्जेक्ट चाहती थी। अब क्या है विवेकार्जित ज्ञान, अब यहां पर फर्स्ट पेपर के लिए अपने विवेक का इस्तेमाल करना था कि किसको कितना समय दिया जाए, कहां से बेनिफिट ज्यादा होगा, क्योंकि फायदेमंद तीन ही है, पैडागोगी भी है, रीजनिंग भी है, जीएसजी के भी है, सभी है, सत्य है ना, ये फायदे तो सारे ही हैं, क्योंकि जिसको भी आप पढ़ोगे नंबर तो सारे ही देंगे, पर ज्यादा बेटर क्या रहेगा। ठीक हो गया, तीन प्रकार के इन्होंने ज्ञान का स्वरूप बताया। इनका जो मुख्य मूल उद्देश्य था या मुख्य जो वाक्य था वो था सत्यम शिवम सुंदरम की धारणा, सत्यम शिवम सुंदरम। इसका मतलब आप जानते होंगे, ये हमारा जो है वैदिक साहित्य से लिया गया वाक्य है, ये कोई प्लेटो ने नहीं दिया था, उनकी अवधारणा कुछ ऐसी थी, सत्यम शिवम सुंदरम। अर्थात अब हम कहते हैं ना कि सत्य ही क्या है, शिव है, और शिव ही सुंदर है, इसका मीनिंग क्या है, सत्य शिव है, शिव ही सुंदर है। शिव कोई, यहां पर शिव निराकार है, एक्चुअली शिव क्या है, ज्ञान है। शिव कोई व्यक्ति या किसी भगवान के किसी प्रतीक को मत लीजिए आप, वो ज्ञान का स्वरूप है। तो ज्ञान ही सत्य है, ज्ञान ही शिव है, यानी निराकार है, ज्ञान ही सबसे सुंदर है। ठीक है ना, यहां प्रतीक रूप में नहीं लेना है, जैसे हमने हमने अभी सत्यम शिवम सुंदरम का तो आपके दिमाग में एक इमेज बन गई कि शिव जी की, शिव जी ही जो है सत्य है, शिव जी ही सुंदर है, नहीं, यह ज्ञान का स्वरूप। शैक्षिक शिक्षा की बात चल रही है, ठीक है ना, और शिव भी ज्ञान के प्रतीक है। भाई देवता कोई भी बने, चाहे वो इंसान से देवता क्यों ना बने, ज्ञान के माध्यम से बनता ना, बुद्ध कैसे बने इंसान से देवता, महापुरुष कैसे बने, ज्ञान के माध्यम से। तो ज्ञान इतनी उच्च श्रेणी में लिखे जाते, कहा जाता है ना कि अमीर होता है ना अपने गांव में पूजा जाता है, अपने लोगों में पूजा जाता है, लेकिन राजा होता है अपने राज्य में पूजा जाता है, लेकिन विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान होता है उसकी हर जगह पूजा होती है संसार में, तो उसके ज्ञान की पूजा होती है, तो राजा से भी बड़ा है विद्वान। ठीक है, फिर इनके शैक्षिक विचार की बात करते हैं। देखो दो तीन पॉइंटों में इनके आपको विचार समझ, इन्होंने कहा शिक्षा एक महावस्तु है, मतलब कोई साधारण चीज नहीं है। महावस्तु किसको कहोगे आप, वस्तु तो हर चीज है ना, महावस्तु का मतलब है कि वस्तुओं से थोड़ा और अधिक, थोड़ा और ज्यादा इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण। इन्होंने कहा कि इन्होंने अपने ग्रंथ द लॉज में ये चीज कही थी, शिक्षा प्रथम तथा श्रेष्ठतम वस्तु है, सबसे आवश्यक भी है और सबसे श्रेष्ठ भी है, ऐसा प्लूटो ने कहा। पहली चीज समझ में समझनी ये है, इनका ये वाला आप पैर पकड़ लो कि शिक्षा श्रेष्ठ भी है और प्रथम भी है। ठीक है, इन्होंने कहा जिसे सर्वोत्तम व्यक्ति ही प्राप्त कर सकते हैं। अब यहां पर आलोचना भी हुई, सर्वोत्तम व्यक्ति प्राप्त कर सकते हैं। देखो इनका कहने का तो मतलब यह था कि किसी भी ज्ञान की ना एक लिमिट होती है, एक लेवल होता है, उस ज्ञान को ग्रहण करने वाले व्यक्ति का भी वो एक मेंटल लेवल होना चाहिए, तभी वो उस ज्ञान को ग्रहण कर पाएगा। यहां तो इनके कहने का मीनिंग तो ये था, अर्थात 12वीं क्लास का बच्चा है वो 12वीं के ही ज्ञान को एब्जॉर्व कर सकता है, या 12वीं के ही ज्ञान को खुद में 12वीं का ज्ञान वो टेक ओवर कर सकता है, ले सकता है, उस ज्ञान को ग्रहण कर सकता है। लेकिन वही अगर उसको बीएससी का ज्ञान दे दो तो शायद ग्रहण नहीं कर पाएगा। यहां इनका कहने का मीनिंग ये था, यानी कि जिस प्रकार का आप ज्ञान ले रहे हो उस प्रकार के ज्ञान के योग्य आपको बनना होगा, सरल शब्दों में ये कहना था। आलोचना दूसरे तरीके से भी, इनका कहने का मीनिंग वो नहीं था जिस पर आलोचना हो, ने कहा कि जिस तरीके के हम ज्ञान को ग्रहण करते हैं तो हमें उस ज्ञान के लिए योग्य बनना पड़ता, तब वो ज्ञान हमें प्राप्त होगा, समझ गए। एक चीज फिर उन्होंने कहा कि इनका विश्वास था कि बालकों को यानी कि बच्चों को नैतिकता या सद्गुण सिखलाया जा सकता है, मैनर्स भी सिखलाए जा सकते हैं, अच्छे गुण भी बालक को सिखलाए जा सकते हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि चार सद्गुण हैं, जो सबसे अच्छे गुण है वो चार हैं, पूछे जाते हैं एग्जाम में प्लूटो ने किन चार सद्गुणों का वर्णन किया है या बात कही है। उन्होंने कहा कि ये चार सद्गुण जिसके पास है तो वो मैनर्स अपने आप सीख जाएगा और वो एक अच्छा
ज्ञानवानी कह सकते हैं उसको आप, ज्ञान जो ज्ञान प्राप्त जो व्यक्ति कर लेता है उसमें जैसे गुण होते हैं ना, उस बच्चे में भी अपने आप ऐसे गुण आ जाएंगे। कहते हैं ये कहते हैं कि कुछ नहीं कराओ बच्चे को, बस चार सदगुण प्रदान कर दो। वो सदगुण क्या है? उन्होंने कहा सबसे पहले उसमें क्या होना चाहिए, बुद्धिमत्ता होनी चाहिए, इंटेलिजेंस जरूरी है ना, बिना बुद्धिमत्ता के तो कोई भी बेवकूफ बना के चला जाएगा। दूसरा उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को अच्छा तभी होगा जब उसमें संयम भी होगा, पेशेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, संयम होना चाहिए। एकदम से अगर आप रिएक्ट करोगे ना तो फिर वो इसका मतलब है कि आपने दूसरे की बात को अच्छे से मनन नहीं किया, मनन नहीं किया, आपने जो सुना और सीधे से आपने उसका प्रतिक्रिया दे दी, दोनों एक जैसे हो गए ना। सामने वाले ने गाली की, आपने उसको थप्पड़ मार दिया, दोनों एक जैसे तो हो गए सीधे ही। थोड़ा सा मनन करना पड़ेगा, बाद में क्या कंडीशन आएगी वो फिर परिस्थिति तय करेगी। संयम, संयम रखना बहुत जरूरी है। संयम का मतलब है खुद पर लगाम लगाना, खुद पर लगाम होनी चाहिए व्यक्ति की हर जगह। कोई कितनी भी बुरी बात कर रहा है उसका एक बार चिंतन तो होना चाहिए कि ये जो बात कर रहा है ना। दो प्रकार के अगर लोगों की मैं बात करूं ना, एक कोई शराबी व्यक्ति है, दो लोग बैठे हुए, एक कुर्सी में बुजुर्ग व्यक्ति बैठा है, एक में जवान एकदम अभी अभी जवान हुआ है जो हुष्ट पुष्ट व्यक्ति बैठा है। शराबी आता है, वो देखता है बुड्ढे को गाली भी कर देता है, बुड्ढे चल कुर्सी छोड़, बुजुर्ग कहते हैं अरे यार शांत रहो, न तू ही बैठ, न तू ही बैठ, उसकी जो प्रतिक्रिया होगी। और वहीं जो दूसरी कुर्सी में जवान बैठा उससे जैसे ही वो बोलेगा अरे ये कहे तब तक वो उसको जो सुला देगा, फैक्ट है ना ये। तो ऐसा क्यों हुआ? बात एक जैसी बोली दोनों को लेकिन प्रतिक्रिया दोनों की अलग अलग थी, क्योंकि बुजुर्ग ने अपने अनुभव से परिणाम को जान लिया था। उन्होंने कहा ये शराबी का भी आदमी है, इसको अगर मारपीट भी दिया तो बदनामी इसके चक्कर में मेरी भी होगी। यानी कि पहले उन्होंने क्या सोचा, परिणाम वो डरे नहीं इसलिए उसको कुर्सी दे दी, तो इसका मतलब ये नहीं कि बुजुर्ग उससे डर गया तब कुर्सी दी, गलत। बुजुर्ग ने केवल परिणाम को देखते हुए, परिणाम को सोचते हुए उसको वो कुर्सी दे दी। उसने कहा कि अगर नहीं देता हूं तो ये साला फिर चिपका रहेगा, इससे अच्छा तो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देते हैं, चाहे थोड़ा झुकना ही पड़े कोई बात नहीं। अभी उसका नशा उतरेगा तो फिर वो खुद शर्म के मारे लाल लाल हो जाएगा कि बाप की उम्र के आदमी को मैंने जो ऐसा बोला, या नहीं होगा क्या बाद में फील? जब तक दारू का नशा रहेगा तभी तक तो वो उस तरह की हरकत कर सकता है, बाद में कभी ना कभी तो होश आएगा। लेकिन जो युवा है वो ऐसा नहीं, वो कहेगा इसने मुझे ऐसा क्यों बोला, वो परिणाम पे कभी नहीं जाएगा। वो परिणाम पे तब पहुंचेगा जब उसने उसको मार दिया, गलती से वो चोट गलत जगह लग गई, वो मर गया। अब चाहे दारू पिया हुआ था, क्या कि मृत्यु की सजा नहीं मिलेगी क्या मारने वाले को? मिलेगी ना। कहने का मतलब क्या है, ये अनुभव है, ठीक है ना। तो कई जगहों पर परिणाम किस पर निर्भर करते हैं, मनुष्य के अनुभव पर निर्भर करते हैं कि उसने अपने जीवन में कितना अनुभव प्राप्त किया है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि चार सदगुण, इसलिए हमने कहा संयम बहुत जरूरी है। एकदम से किसी चीज पर प्रतिक्रिया देने का मतलब है कि आप उस चीज के बारे में चिंतन किए ही नहीं, आपने सिर्फ सुना और सुनने में जितना समझ में आया आपने उस पर प्रतिक्रिया कर दी। सुनकर के थोड़ी देर उसको रोकिए, ठहरिए, उस पर थोड़ा विचार कर लीजिए कि सामने से ये कहा गया तो क्यों कहा गया। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी एकदम से प्रतिक्रिया नहीं देता है, उसका रीजन यही है। तीसरी चीज इन्होंने कहा साहस, साहस होना बहुत जरूरी है। साहस से तात्पर्य क्या है कि आप कोई भी काम को कर रहे हैं तो आपको साहस उसी व्यक्ति के अंदर होता है जिसको खुद पर बिलीव होता है, खुद पर विश्वास होता है, तभी साहस होता है। परिणाम देखिए कोई भी निकल सकता है, वो मैं नहीं कह रहा हूं, परिणाम डेस्टिनी तय करती है, भाग्य तय करता है कर्मों के माध्यम से। लेकिन साहस का तात्पर्य यही होता है कि खुद पर बिलीव होना, खुद पर विश्वास होना, तभी तो साहस पैदा हो। आप कोई काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, अपने दम पर बढ़ रहे हैं ना, तो यानी कि आपको खुद पर बिलीव है, वही तो साहस है। किसी भी कार्य को करने के लिए जब हम तत्पर होते हैं तो वही साहस है। लेकिन वो एक्चुअल में हम तत्पर इसीलिए हुए क्योंकि हमें खुद पर बिलीव था कि हम इस कार्य को कर सकते हैं। और चौथी चीज इन्होंने कहा न्याय, ये बहुत बड़ा गुण बताया इन्होंने। मैंने बताया ना कि ये कुलीन वर्ग के थे, राज्य इन्होंने देखा था राज्य किस तरीके से। तो राज्य में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जस्टिस, न्याय मिलना चाहिए हर किसी, वो चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। और न्याय हमेशा कौन देता है, जिसके पास सद्गुण होंगे। सद्गुण नहीं होंगे तो व्यक्ति अन्यायी जरूर होगा।
आपके पास पावर है, अच्छी बात है, तो इसका मतलब क्या है कि आप जो मनाए वो करोगे क्या? अन्याय तो नहीं कर सकते ना, लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा भी करते हैं, पावर है तो जो मनाए करो भाई, कमजोर आदमी गरीब आदमी उसको दबा दो, तो इसका मतलब क्या है कि उसमें किस चीज की कमी है? इसी चीज की कमी है, न्याय की कमी है। वो जानता ही नहीं है न्याय का स्वरूप क्या होता है, वो सोचता है मुझे तो मिल गया, हालांकि उसका परिणाम उसके लिए कल के दिन बहुत खतरनाक और भयावह हो सकता है। क्योंकि हर कोई व्यक्ति देखो ना, कुछ चीजें क्या होती है, आपने मजाक मजाक में की अन्याय किया लोगों के साथ, लेकिन कभी किसी ऐसे आदमी से टकरा गए जिसने फिर सारी हेकड़ी निकाल दी, तो उस दिन इंसान की फिर सारी की सारी जो वो सोच थॉट बनी रहती है ना एक, कि किसी के साथ भी कुछ भी कर सकता हूँ, वो थॉट भी खत्म हो जाती है, उसका अपना अस्तित्व भी खत्म हो जाता है उस दिन। वो है न्याय। ये चार चीजें उन्होंने कहा कि ये चार चीजें बच्चे के अंदर होनी चाहिए, ये सद्गुण जिसके अंदर होंगे तो एक अच्छे समाज का निर्माण स्वतः हो जाएगा, यही शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य है उन्होंने कहा। अगर शिक्षा इन चार चीजों को किसी व्यक्ति को दे सकती है तो वो सबसे बेहतर शिक्षा होगी, सबसे अच्छी नैतिक शिक्षा होगी। ऐसा किसका कहना था? प्लूटो का कहना था। फिर हम बात करते हैं आगे। इन्होंने कहा कि भाई शिक्षा में इन्होंने एक वर्ग को जरूर, ये क्वेश्चन आता है कि प्लूटो की शैक्षिक अवधारणा में किस वर्ग की उपेक्षा की गई है, इन्होंने क्या किया? अब फिर से देखिए इनकी जीवनी, इसलिए मैंने ये पहले बताया कि ये कुलीन वर्ग के थे। इन्होंने कहा कि जो संरक्षक होता है, शिक्षा किस किस के लिए जरूरी है, इनका कहने का मतलब था संरक्षक। संरक्षक का मतलब क्या है? यहां पर संरक्षक का मतलब है न्यायाधीश, मतलब जो सबसे उच्च पायदान के होता है न्याय करने के, उसको संरक्षक कहा गया। आज भी हम कहते हैं ना कि हमारे मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। क्यों कहते हैं? क्योंकि न्याय का सबसे बड़ा संरक्षक वास्तव में वही है, पहले से भी रहा है, न्यायपालिका का अपना एक महत्व रहा है। इन्होंने कहा कि इसके लिए अच्छी शिक्षा होना जरूरी है। दूसरा वर्ग इन्होंने कहा कि सैनिक वर्ग, ये अगर शिक्षित नहीं होंगे तो ये फिर बहुत ज्यादा तांडव करेंगे, हर जगह तो जनरल कर्नल पहुंचेगा नहीं ना, जनरल तो एक होता है ना इतनी बड़ी सेना में, 20 लाख की सेना में जनरल कितने होंगे? एक। वो जाएगा क्या हर जगह? हर जगह तो 20 लाख लोगों में से जाएंगे ना कोई भी जाएंगे जो सैनिक है। इन्होंने कहा कि इनका शिक्षित होना बहुत आवश्यक है। तीसरा इन्होंने कहा व्यवसायी वर्ग, व्यवसायी या उत्पादक वर्ग, इसका इन तीनों की इन्होंने बात की, यानी कि संरक्षक वर्ग की भी बात की, ठीक है, संरक्षक वर्ग के साथ साथ इन्होंने दूसरे में सैनिक वर्ग की भी बात की, और तीसरे में इन्होंने स्विच ऑफ होने को है, इसको बंद कर देता हूं। और तीसरे में इन्होंने व्यवसायी या उत्पादक वर्ग की बात की, स्विच ऑफ हो गया, लगा दो इसको, ठीक है। अब इन्होंने किसको भूला, ये क्वेश्चन इसलिए बनता है, कौन सा वर्ग इसमें शामिल नहीं है? देखिए वर्ग चार ही होते हैं समाज में, अब इनमें से कौन सा वर्ग इसमें सम्मिलित नहीं है? निम्न वर्ग कह लो या शूद्र वर्ग कह लीजिए, इन्होंने कभी भी जो है शूद्र वर्ग या निम्न वर्ग की शिक्षा पर कोई भी जो है अपना मत या अपना सिद्धांत प्रस्तुत नहीं किया। ये क्वेश्चन बन जाता है कि प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत में किस वर्ग की उपेक्षा की गई है? वो है शूद्र वर्ग, एक सेवा वर्ग भी तो है, ये तो वही हो गया ना। इसको अगर आप मान लो संरक्षक, न्यायाधीश, न्याय से मतलब कौन सा हो गया? ब्राह्मण वर्ग, पढ़ा लिखा न्यायाधीश कौन बनेगा? पढ़ा लिखा सैनिक, यानी कि क्षत्रिय वर्ग है ना। और ये जो व्यवसायी होते हैं किसमें आते हैं? वैश्य में। शूद्र की तो उपेक्षा होगी ना, शूद्र वर्ग तो आया नहीं कहीं, इसलिए पूछा जाता है क्वेश्चन। तो प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत में किसकी उपेक्षा हो रखी है? शूद्र वर्ग की या निम्न वर्ग की उपेक्षा हो रखी है, ऐसा बताया जाता है। अब इनको क्या कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना आप, किसको? प्लूटो को शिक्षा के क्षेत्र में आदर्शवाद का जनक कहा जाता है। फिर से मेरे शब्दों को क्लियर याद रखें, क्योंकि एग्जाम में जब आता है तो एक एक शब्द का महत्व होता है। शिक्षा के क्षेत्र में आदर्शवाद का जनक प्लूटो को ही माना जाता है, इन्होंने आदर्शवाद ही दिया है। अभी और आगे बात करते, देखो इन्होंने क्या कहा, शिक्षा का उद्देश्य अगर मैं बात करूं तो पहला इन्होंने कहा कि बच्चे को शाश्वत मूल्यों का ज्ञान होना चाहिए। शाश्वत क्या है? शाश्वत का मतलब है ऐसा सत्य जो कभी नष्ट नहीं हो सकता, जो हमेशा रहेगा। हमेशा का मतलब समझते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ। जैसे मैंने कहा सूर्य हमेशा रहेगा, अब कोई व्यक्ति कहेगा कि भाई
विज्ञान के नजरे से सूर्य फिर दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, ये मुझे नहीं पता। ऐसा किसी ने आज तक तो नहीं देखा ना, ऐसा बोला किसी ने कि ये सूर्य वन है, ये सूर्य टू है, ये सूर्य थ्री है? सूर्य बोले जा रहे हैं ना तब से अब तक। लोग कह सकते हैं कि पृथ्वी भी एक दिन खत्म हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जो कह रहे हैं वे कोई प्रमाणिक तो नहीं है ना, सिर्फ कहने से तो नहीं मान लेंगे। इसलिए शाश्वत मूल्यों का ज्ञान, ऐसे सत्य मूल्यों का, वास्तविक मूल्यों का ज्ञान होना चाहिए, जैसे अपने माता पिता की और गुरु की इज्जत करनी चाहिए। ये शाश्वत मूल्य है, ये शाश्वत वैल्यूज है, यूनिवर्सल वैल्यूज है। करना चाहिए कि नहीं? अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए कि नहीं? ऐसे मूल्यों का ज्ञान देना चाहिए, दुखियों की, कमजोरों की मदद करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। शाश्वत ज्ञान है ना ये, इसमें किसी का नुकसान है क्या? नहीं है, ये शाश्वत सत्य है भाई। कोई अगर किसी को हमारी मदद की जरूरत है, हम अगर उस लायक हैं और हम उसकी मदद करते हैं, तो इसमें क्या बुराई है? इसमें अच्छा ही है, जितनी है ना उसकी मदद भी होगी और आप उसके लिए एलिजिबल भी थे, योग्य भी थे, मदद कर सकते थे। फिर ये कहते हैं कि नागरिक कुशलता का विकास, ये इसलिए कहते हैं राज्य के लिए। राज्य में अगर नागरिक कुशल नहीं होंगे, स्किल डेवलप्ड नहीं होंगी, कौशल का विकास नहीं हुआ होगा, तो राज्य कभी भी उन्नति नहीं कर पाएगा। कैसे करेगा? स्किल ही तो डेवलप, अभी यूरोप के जितने भी कंट्रीज हैं, जिस दिन यहां पर स्किल डेवलपमेंट डाउन हो गया ना, उस दिन ये सारे सब देशों में मंदी का दौर आ जाएगा। फिर से एग्जाम्पल बताता हूं, कुछ समय पहले, लगभग 5-6 साल पहले यूनान में आर्थिक संकट आया था, ग्रीस यूनान। उस आर्थिक संकट की वजह जानते हो क्या थी? 3 साल से यूनान ने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कोई नई चीज बना ही नहीं पाया। अभी सारे देश किस पर हैं? टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कुछ नई चीज बनाने का मतलब क्या? स्किल तो है, हमारा देश तो फिर भी ठीक है, कृषि प्रधान है, बहुत ज्यादा स्किल की जरूरत नहीं। खेत में अगर आप टेढ़ा मेढ़ा भी चला दोगे ना हल, धीरे धीरे सीख ही जाओगे, तब भी उत्पादन हो जाएगा ना। इधर से इधर चला लो, बैलों को इधर चला लो, खोदना ही तो है कुछ मिलाकर। बैलों से नहीं खोदा जा रहा तो कुल्हा क्या होता, वो जैसे खोदते हैं फावड़ा, फावड़ा बेटी, तो वो दूसरे तरह के खुदानों के लिए होता है। एक और आता है जिससे सिर्फ खेत खोदे जाते हैं, फावड़ा घेटी एक्चुअल में नुकीले होते हैं, वो पत्थर आदि को ऐसे जगह तोड़ने के लिए होते हैं। मैं भी भूल गया उसका नाम, कस्सी कस्सी कहते हैं, एक तरह का ऐसा आता है ना जो, क्योंकि देखो खेत पहले भी बोया होगा ना, वो थोड़ा मुलायम मिट्टी रहती है, उसको ही तो खोदना होता है बीज बोने के लिए, है ना। खैर, तो कहने का मतलब है कि ये तो एक प्रकार का ऐसा कौशल हुआ कि इसमें भाई जितना अच्छा आप हल लगाना सीख पाओ, है ना, बैलों को जोतना जितना अच्छा सीख पाओ, ये तो फिर भी भूखा नहीं मरेगा कभी, क्योंकि इसको तो वो चीज आ रही है। अब यूरोप के जितने भी देश हैं वो टेक्नोलॉजी पे जीते हैं, और टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से स्किल पर निर्भर करती है। जितना अच्छा आपका स्किल होगा, जितना अच्छा आप बच्चों को स्किल से संबंधित अच्छी शिक्षा देंगे, तो वो उतना अच्छा जो है आगे जा करके आपके देश के या राज्य के काम आएंगे। 3 साल तक यूनान ने कोई नई खोज नहीं की, तो मंदी का दौर आ गया। IMF ने उसकी मदद की थी, वो अलग बात है कि IMF भी हमेशा क्या करता है, यूरोप की कंट्रियों को कम इंटरेस्ट में ब्याज देता है, और एशिया की कंट्रियों को पूरा की पूरी पूरी तरीके से एक ही बार ब्याज लेने में पूरी तरीके से दबा के रख देता है। ठीक है भाई, वो भी तो उन्हीं लोगों का है हिस्सा। तीसरी बात, तो यानी कि नागरिक कुशलता का विकास कराया जाना चाहिए, कहता है प्लूटो, और जिससे क्या होगा, राज्य के लिए वो फायदेमंद साबित होंगे। फिर ये कहते हैं कि विवेक का विकास कराना चाहिए, यानी कि ऐसे दो अच्छे डिसीजन में से ज्यादा अच्छे डिसीजन को कैसे चुना जाए। ठीक है ना। तीसरा जो है, एक और चीज बताऊं, जो एथिक्स आता है ना, एथिक्स सिविल सर्विसेज में एक सब्जेक्ट आता है एथिक्स, एथिक्स में भी कोई क्वेश्चन आंसर गलत नहीं होते हैं, आंसर उसमें से भी सबसे बेस्ट को ही चुनना होता है, और इसीलिए वो पेपर होता है हमारे यहाँ। एथिक्स जो है PCS में भी है, 200 नंबर का आएगा मेंस में, उसमें भी ये चीज सिखाई जाती है कि दो नहीं है, वहां 4 ऑप्शन होंगे, 4 के 4 सही है, पर सबसे बेस्ट वाला कौन सा होगा। ठीक है ना, वो एथिक्स है। तो एथिक्स अच्छा बनाना चाहिए, ये कहता है एथिक्स पर अच्छा नॉलेज होना चाहिए, विवेक का विकास मतलब ये है। और फिर ये कहते हैं संतुलित व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए, ऐसा नहीं कि देखो बहुत ज्यादा भावनात्मक होना भी गलत है, कोई भी चुना लगा के चला देगा। आदमी गलत है पर उसको पता है ये बहुत भावुक है, रो गया आपके सामने, आपके पैर पकड़ लिए, आपने कहा मैं तो इसके लिए भगवान बन गया, हमने गलत आदमी की मदद कर दी, ऐसा भी तो हो सकता है। भावनात्मक भावनाओं का भी एक लिमिट है, एक सीमा है, उसी सीमा तक जो है भावनाओं को, अगर भावनाएं काबू में नहीं है फिर तो देश कभी भी जो है, अगर आपके हाथ में पावर आ गई, एक ऐसा राजा आ जाए जो जिसको जो अरे आप ही हो जो हो बस महाराज, इस दुनिया में आपसे बड़ा कोई राजा नहीं हुआ, सब लुटा दिया, ले तू इतने ले जा, तू इतने ले जा, पता चला राज्य कंगाल हो गया,
ऐसी भी क्या भावनाएं, भावनाएं भी कैसी होनी चाहिए, लिमिट में होनी चाहिए। भावनाओं का संबंध सीधे किससे होना चाहिए, बुद्धि से होना चाहिए, भावनाएं होनी चाहिए, लेकिन कहां पर भावनाओं को दबाना है, कहां पर भावनाओं पर नियंत्रण रखना है, ये कौन सिखाएगा, संतुलित व्यक्तित्व सिखाएगा। हमारी पर्सनैलिटी इस तरह की होनी चाहिए कि हम हर डिसीजन को शांति के साथ सुलझा सकें, हम किसी भी निर्णय को शांति के साथ ले सकें। फिर ये कहते हैं कि राज्य की एकता को स्थापित करना, जाहिर सी बात है राज्य की एकता कब होगी, जब इस तरह की शिक्षा दी जाए, जैसे हम कहते हैं ना बार बार बंधुत्व बंधुत्व बंधुत्व, या फिर बोलते हैं कि भाई सभी लोगों को भाईचारे का भाईचारे की तरह रहना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए, उसी से तो राष्ट्रीय राज्य की एकता स्थापित होगी। बंधुत्व की शिक्षा देंगे जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये क्या है, ये स्लोगन क्या है, ये क्या क्या है, ये राज्य की एकता को ही तो स्थापित कर रहा है कि नहीं, तो ये इसलिए कर रहा है पहले, फिर यहाँ पे वो ये शब्द आते ही क्या आता है, क्योंकि एक कुलीन वर्ग का था, उनको यही चाहिए होता है, सब अगर मिलजुल कर रहे हैं अच्छे से रहे तभी तो मिलजुल कर काम होगा, नहीं तो रोज दंगे फसाद होते जा रहे हैं, रिजल्ट जो है जीरो हो जाएगा हमेशा के लिए। इसके अलावा इन्होंने कहा शिक्षण विधियां कैसी होनी चाहिए, तर्क या वाद विवाद होना चाहिए हमेशा, लॉजिकली कोई भी क्वेश्चन का आंसर देना बच्चों को सिखाना चाहिए। बच्चों से आपने क्वेश्चन पूछा कि बेटा सोने की खान है, उसके चारों तरफ पुलिस की गाड़ियों का पहरा है, चोर आते हैं चोरी करके ले जाते हैं कैसे, बच्चे को बार बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो अब आप बताओगे उसको, बेटा हमने कहा सोने की खान है, चारों ओर पुलिस की गाड़ियों का पहरा है, पुलिस वाले थोड़े ना हैं, वो गाड़ियां क्या कर लेंगे, आएंगे चोरी करके ले जाएंगे, जो इससे क्या होगा बच्चे का वो तर्क समझ में आ जाएगा, अच्छा हाँ सही है, फिर इसमें क्वेश्चन नहीं करेगा ना, कोई क्या क्वेश्चन करेगा, हमने पहले कहा कि गाड़ियां अपने आप तो स्टार्ट हो नहीं जाएंगी, ऐसा कुछ है ना, एक पुल है, पुल के दोनों तरफ दो ट्रक हैं बड़े बड़े, लेकिन उस पुल में से जो है एक ही ट्रक पार हो सकता है, दो ट्रक पार नहीं हो सकते, लेकिन दोनों ट्रक वाले आर पार हो जाते हैं कैसे, दोनों व्यक्तियों की बात हो, ट्रक वाले मतलब जो ट्रक को चला रहे हैं आर पार हो सकते हैं, ट्रक नहीं जाएंगे, इससे क्या होगा उनकी तार्किक क्षमता बढ़ेगी, ठीक है। इसके अलावा वो कहते हैं कि स्वाध्याय से, खुद के अध्याय से, खुद के अभ्यास से नॉलेज गेन करने देना चाहिए बच्चे को, वो अच्छी वो विधि ठीक है। वो कहते हैं खेल के माध्यम से बच्चे को शिक्षा देनी चाहिए। वो कहते हैं कि तार्किक प्रश्नोत्तर, ऐसे प्रश्नोत्तर किए जाए जिनमें तर्क हो, आप जो बोल रहे हैं उसमें क्या होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए, ठीक है ना। अब जैसे साइंस कहते हैं H2O बच्चे को सिखाया आपने, अब बच्चे कहते हैं कैसे, आप उसको सिखा सकते हैं ना कि H2O हाइड्रोजन के दो अणु ऑक्सीजन का एक अणु मिलकर के क्या बना, H2O इक्वल टू जल वाटर। अगर वो कभी भी करके देखिएगा तो सच में पानी की बोतल बन जाएगी, बिलीव हो जाएगा, दोनों तरह का ज्ञान मिल गया उसको। और उसके अलावा वो कहते हैं अनुकरण भी जरूरी है, भाई कोई अच्छा काम कर रहा बच्चे ने देखा, अनुकरण का मतलब होता है इमिटेशन करना, दूसरे को देखकर सीखना, हमने देखा इस काम से तो ये फायदा हो रहा है, मुझे भी ये काम करना चाहिए, अच्छी बात है ना। कोई व्यक्ति बना पैदल चल रहा है धूप में, बच्चे ने देखा कि वो तो नंगे पांव चल रहा है, अब उसकी मदद कैसे करो, तो उसने जो है एक बोतल में रस्सी बांध के सही उसके चलने के लिए कुछ बना दिया, या अगर वो एलिजिबल है तो जूते खरीद के दे दिए, या कुछ अच्छे ऐसे काम जिससे दूसरे भी प्रभावित हो, तो इसका प्रभाव दूसरों पर भी पड़ेगा ना, अच्छे जब हम अच्छा काम करते हैं तो उसका प्रभाव हमेशा दूसरों पर भी पड़ता है। फिर इन्होंने कहा प्रयोगात्मक, सबसे अंतिम इन्होंने शिक्षण विधि बताई प्रयोगात्मक, प्रयोग के आधार पर सीखना, जो भी उसको कहा जाए उसका वो प्रयोग करे, और प्रयोग करने के बाद वो खुद से सीखेगा तो वो ज्ञान हमेशा के लिए स्थायी ज्ञान हो जाएगा। ये इनकी शिक्षण विधियां थी। शिक्षक की बात करते हैं तो कहते हैं आदर्श शिक्षक होना चाहिए, शिक्षक ऐसा होना चाहिए जिससे बच्चे को ये लगना चाहिए कि मुझे भी सर जैसा बनना है, बच्चा ऐसा सोचे। और विद्यालय की बात करें तो इन्होंने कहा कि मानकीकरण और समाजीकरण करने वाली संस्था है, मतलब समाज के भी योग्य बनाएगी और समाज के लिए जो स्टैंडर्ड तय किए जाते हैं, एक मानक तय किया जाता है कि एक लेवल तय किया जाता है किस तरह का व्यक्ति होना चाहिए। जैसे मानकीकरण का मतलब यह है कि इंटरव्यू होता है ना, इंटरव्यू में भी तो आपका स्टैंडर्ड ही तय किया जाता है, मानकीकरण कि आप उस जॉब के लिए एलिजिबल है या नहीं, एक मानक तय किए जाते हैं कि भाई हमें इतना पढ़ा लिखा हुआ बंदा चाहिए, इस तरह का उसका जो है लैंग्वेज, इतने लैंग्वेज का उसको ज्ञान होना चाहिए, ये सब चीजें मानक ही तो है, वो स्टैंडर्ड का मतलब है मानक तय किए जाते हैं। तो विद्यालय भी क्या करता है, मानक ही तो तय करता है, कहते हैं कि 33% में पास हो जाओगे तो मानक ही तो है वो, 60% में फर्स्ट डिवीजन है मानक है ना, 75% में डिक्टेशन लग जाएगा मानक है,
इस तरीके से, तो मानकीकरण करने वाले और समाजीकरण करने वाले, समाज के साथ जोड़ने का काम करता है विद्यालय। इनकी देखो गुण की अगर बात करें तो इन्होंने इनकी शिक्षा योजना में आध्यात्मिक गुण, इन्होंने कहा कि बच्चे में आध्यात्म का विकास जरूर करना चाहिए, मानसिक विकास भी होना चाहिए, शारीरिक विकास भी होना चाहिए, यह इन्होंने अच्छी बात की। दूसरा इन्होंने कहा राज्य का प्रमुख कर्तव्य होगा शिक्षा की व्यवस्था करना, जैसा हमारा संविधान भी कहता है। फिर इन्होंने कहा तीसरी बात कि स्त्री और पुरुषों के लिए समान शिक्षा पद्धति, इसको आपको ध्यान रखना, क्योंकि रूसो क्या कह रहे थे कि बालकों के लिए जो है औद्योगिक शिक्षा या व्यावसायिक शिक्षा और स्त्रियों के लिए गृह शिक्षा, लेकिन यहां पर ये क्या कह रहे हैं कि दोनों के लिए समान शिक्षा पद्धति, ये पॉइंट याद रखना है, मैंने पहले भी कहा था। और फिर ये कहते हैं शिक्षा के द्वारा व्यक्ति के लिए नैतिक और आध्यात्मिक विकास शिक्षा द्वारा किया जा सकता है, आध्यात्मिक विकास भी हो सकता है और नैतिक विकास भी बच्चे का हो सकता है। ये तो गुण है, अच्छी बात है इनके शिक्षा सिद्धांत की। दोष भी है गुण, एक तो क्या है इन्होंने व्यावसायिक शिक्षा की कहीं बात की नहीं थी, इन्होंने उद्योग की तो बात ही नहीं की बच्चे को, वो तो रूसो ने की थी, इन्होंने व्यावसायिक शिक्षा की उपेक्षा की है पहली बात। इनकी शिक्षा योजना मुख्य रूप से जो है शासकों और प्रशासकों के लिए थी, जो शासन प्रशासन को देख रहे हैं, निम्न वर्ग की उपेक्षा होगी। इनकी जो है निर्धन वर्ग की शिक्षा के बारे में इन्होंने कुछ बोला नहीं, पूरी तरीके से उपेक्षित कर दिया। और चौथा पॉइंट जो है गणित का विशेष महत्व इन्होंने रखा, इन्होंने अब ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा किस सब्जेक्ट की, ये क्या कहते हैं कि जिसको गणित का ज्ञान नहीं वो किसी काम का नहीं, ऐसे ध्यान रखिए आप। गणित विषय पर सबसे ज्यादा फोकस करने वाला दार्शनिक कोई था वो कौन थे, प्लूटो। इन्होंने कहा कि गणित से बड़ा कोई विषय ही नहीं है, ठीक है इनका मानना है प्लूटो के अनुसार, ठीक है ना। और शिक्षा के स्तर में इन्होंने कहा देखिए शैशवावस्था 0 से 3 वर्ष की आयु बताई इन्होंने, इन्होंने कहा शैशवावस्था में जो है बच्चे को केवल अच्छा भोजन दीजिए, संयमित भोजन दीजिए, और भाई जितना आवश्यक है शरीर के लिए प्रोटीन आवश्यक है, जितना विटामिन आवश्यक है, उसका जितना अच्छा पोषण कर पाओ, वो 3 साल तक के बच्चे को खान पान पे अच्छा ध्यान दो, कुछ नहीं सिखाओ उसको, कुछ नहीं पढ़ाओ, केवल उसको जो है शरीर से कैसा बनाओ जितना उसके शरीर को विटामिन प्रोटीन आदि की जरूरत है, विज्ञान की भाषा में अर्थात हृष्ट पुष्ट बनाने का प्रयास करो, उचित पोषण प्रदान करना चाहिए 3 साल तक के बच्चे को, किसके अनुसार, प्लूटो के अनुसार। खुद भी निर्धन वर्ग से था, ये कह रहा है कि अच्छा खाना मिलना चाहिए, बढ़िया कैलोरी वाला, और साथ में जो है विटामिन पूरे, है ना, मिनरल्स पूरे, लवण, और साथ में प्रोटीन पूरा, अब चाहे कितना भी गरीब हो आदमी, अब इनके कहे अनुसार तो मिलना चाहिए शैशव अवस्था में। फिर उन्होंने कहा उसके बाद आएगी नर्सरी शिक्षा 3 से 6 साल में, ने कहा कि इसमें कुछ मत कराओ, बस कहानियां सुनाओ, इंटरेस्टिंग कहानियां, खेल कूद के माध्यम से बच्चों को सिखा दो, खेलते कूदते जो भी सिखाना है, जैसे आप उसको यहां से यहां चला रहे हो ना, एक पांव में 1 2 3 4 तो गिनना तो सीख रहा ना बच्चा, 1 2 3 4 5 6 7 8, व्यायाम करा रहे हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 गिनती गिन के सीख रहा बच्चा, वही कह रहे हैं कि खेल कूद के माध्यम से आप उनको सिखा दो। तीसरा उन्होंने कहा माध्यमिक शिक्षा 13 से 16 वर्ष में, उन्होंने कहा यहां पर गणित की शिक्षा देना बहुत जरूरी है, गणित के सिद्धांतों को जो है सिखाना चाहिए। और फिर उन्होंने कहा कि 16 से लेकर 20 वर्ष तक बच्चे को व्यायाम, व्यायाम मतलब जिसको आज की डेट में जिम कहते हैं, इस तरह का व्यायाम, क्योंकि तो कहा यह शरीर का ना बदलता हुआ स्वरूप शुरू हो जाता है, यहां से बहुत मजबूत चाहिए शरीर यहां आगे के लिए, आगे बहुत बड़ी चुनौतियां आने वाली हैं, वो सही कहा उन्होंने। तो उन्होंने कहा 20 से लेकर 30 वर्ष तक उच्च शिक्षा, 30 ईयर ये ध्यान रखेंगे, और 30 वर्ष से ऊपर को जो है इन्होंने कहा उच्चतम शिक्षा, उच्चतम का मतलब है दर्शन का अध्ययन, दर्शन मतलब सत्य की खोज में लग जाए आदमी। जब बाद में इन्होंने जो है 25 साल के बाद वाला जो था ना शादी वादी कर लेनी चाहिए, ये कह रहे हैं साइड साइड में करते रहो, शादी को महत्व मत दो, आप अपने काम को महत्व दो, 30 साल तक तो आपको उच्च शिक्षा ही लेनी है, अब इधर आप उच्च शिक्षा ले रहे हो इधर शादी करके बच्चे पैदा कर रहे हो, कैसे काम चलेगा दोनों में, वो कह रहे इसको साइड ही रहने दो, शादी भी कर लो चाहे कोई बात नहीं, साइड साइड में बच्चे भी पैदा कर लो, कहीं कोई ऐसा बोला नहीं है, लेकिन ये किस क्या कह रहे हैं 30 साल तक तो उच्च शिक्षा लो, कह रहे 30 साल के बाद भी शिक्षा ग्रहण करो उच्चतम शिक्षा, उसमें आप दर्शन का अध्ययन कीजिए। दर्शन का मतलब क्या होता है, सत्य के बारे में जानना, सत्य को खोजना, ऐसा इनका जो है क्या रहा शिक्षा का स्तर रहा। इन्होंने कहा बच्चे को ऐसे शिक्षा देनी चाहिए, अब ये सही है या गलत है इससे कोई मतलब नहीं हमें, ठीक है ना। तो ये तो किसका सिद्धांत था, प्लेटो का सिद्धांत था, इसे भी थोड़ा टाइम लग गया,
और थोड़ा सा अब अरस्तु, अरस्तु के सिद्धांत में ज्यादा कोई बड़ी बातें नहीं है, अरस्तु के बारे में थोड़ा चीजें सुन लीजिए, थोड़ा फिर मैं कल डिस्कस करूंगा इसको। देखिए इसके विद्यालय का नाम क्या क्या बताया प्लूटो के? अकादमी। तो ऐसे ही जो है अरस्तु ने भी एक विद्यालय खोला जिसका नाम था लिथेयम। क्या विद्यालय का नाम था? लिसेयम, सॉरी लिथेने, लिसेयम। अरस्तु के विद्यालय का नाम था लिसेयम। और अरस्तु जो है किसका शिष्य था? लिसेयम। इसलिए हमने उसी तरीके से अध्ययन किया। हालांकि इसमें जो सुकरात को दिया नहीं गया है तो पढ़ाना उचित नहीं है, सुकरात है नहीं है, सिलेबस में ही नहीं है। इसलिए जो है रूसो, प्लूटो और अरस्तु और जॉन डेवी चार जो है पाश्चात्य दार्शनिक है इसमें। तो अरस्तु ने स्कूल जो खोला उसका नाम था लिसियम, लिसियम नामक स्कूल की स्थापना की। अरस्तु का जन्म यूनान के स्टागिरा शहर में हुआ, स्टागिरा यूनान में एक शहर है। और हालांकि प्लूटो का जन्म भी कहां हुआ? यूनान में हुआ, यूनान के एथेंस शहर में हुआ। और ये जो सिकंदर का गुरु था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सिकंदर अपने आप में बड़ा नाम है इतिहास में, विश्व विजेता कहा जाता है उसको, सिकंदर का गुरु तथा प्लूटो का शिष्य था। इसने क्या किया? इसका जन्म हुआ था 384 बीसी में और इसकी मृत्यु भी 322 बीसी में। ये फैक्ट में भी आपको मिल जाएंगे। इसको जो है प्रथम शिक्षक कहा जाता है, फर्स्ट टीचर। रीजन क्या था? इसने जीव विज्ञान या फिर जिसको जंतु विज्ञान कहते हैं ना, उसका पिता कहा जाता है इसको, इसको अरस्तु को, जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान का पिता। ये क्वेश्चन आता है कई बार, जैसे मेंडल पे आता है ना, मेंडल पे क्या था? आनुवंशिकता का जनक किसको कहते हैं? मेंडल को कहते हैं, जॉन ग्रेगर मेंडल। और वैसे ही जो है जीव विज्ञान या फिर जंतु विज्ञान, इसकी एक शाखा है, जीव विज्ञान की एक शाखा है जंतु विज्ञान, इसका पिता कहा जाता है किसको? अरस्तु को कहा जाता है। इसलिए इसको प्रथम शिक्षक कहते हैं, क्योंकि विज्ञान का मतलब क्या है? विज्ञान का मतलब है किसी भी जो आप बात कह रहे हैं उसको साबित कर लोगे आप। जैसे हमने प्लूटो की बात की, तो प्लूटो की बात को वो साबित कर पाएगा या नहीं, ये नहीं कह सकते ना। अभी हमने जैसे शिक्षा की बात की, ये तो कह रहे 30 साल के बाद दर्शन का भी अध्ययन करो, तो जीवन में और चीजों के लिए जगह नहीं बचती ना। हम ये तो अमीर घर का था, ये तो ठीक है 35 साल तक भी दर्शन का अध्ययन करेगा तो फिर शादी कर लेगा। गरीब आदमी 35 साल तक पढ़ने जाएगा तो उसकी तो लुटिया डूब जाएगी, फिर वो क्या करेगा? ये साबित नहीं कर पा रहा ना। लेकिन जो अरस्तु कहेगा वो उसको साबित कर देगा। विज्ञान का मतलब ये है कि विज्ञान खुद को प्रूफ करता है, अगर साबित नहीं होगी तो फिर वो विज्ञान का हिस्सा नहीं। तो अरस्तु की शिक्षा में हमें इसके जो है दर्शन जरूर होंगे। इसका सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथ है पॉलिटिक्स, वही ध्यान रखिए वही पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका ग्रंथ पॉलिटिक्स, जो कि अरस्तु ने लिखा। वैसे पॉलिटिक्स के नाम से क्या लग रहा है? पॉलिटिक्स का मतलब क्या है? राजनीति है, राजनीतिक दर्शन भी इन्होंने दिया, लेकिन वो किस वे पर दिया? विज्ञान के बेस पर दिया। इनकी जो भी कहा जाए, हमने कहा ना कि विज्ञान का मतलब क्या है कि जो चीज कही जाए उसका तर्क प्रस्तुत किया जाएगा, उसको उसका जो परिणाम होगा उसको साबित किया जाएगा कि ऐसा है। तो पॉलिटिक्स इनका जो है प्रमुख रचना ग्रंथ है। इन्होंने शिक्षा में देखिए, सबसे पहले इनके शिक्षा के सिद्धांतों को जानते हैं। ये क्वेश्चन मैंने पिछले दिन भी बताया था, अरस्तु के बारे में क्वेश्चन आया था ना पिछले शनिवार को जब मैंने पेपर कराया था, तो अरस्तु ने जो है माध्यमिक शिक्षा की उम्र क्या मानी थी, ये क्वेश्चन था। देखिए अरस्तु ने कहा कि भाई 5 से 7 वर्ष तक की जो उम्र होती है ना, देखो 5 साल तक तो बच्चा बच्चा है, उसको छोड़ दो, कहा फिर 5 से 7 साल यानी कि 2 साल ये जो रखने चाहिए, 5 to 7 years ये जो है ये किसके हैं? इमिटेशन के हैं। इमिटेशन, इमिटेशन यानी कि अनुकरण, जहां पर बच्चा इन 2 सालों में देख देख के सीखेगा, लोगों को जो भी वो देखेगा उसको जो है फिर खुद पर अप्लाई कर सकता है या देख करके सीखेगा। 7 साल तक इन्होंने कोई शिक्षा की कोई विशेष प्रणाली या स्तर की बात नहीं की। उन्होंने कहा कि 7 से लेकर 14 वर्षों तक की आयु तक, 7 to 14 years में इन्होंने कहा प्राथमिक शिक्षा होनी चाहिए, प्राथमिक शिक्षा जैसा हम कहते हैं प्राइमरी स्कूल, यानी कि सब कुछ पढ़ाया जाए, लिखाना सिखाया जाए उसको, पढ़ाना भी चाहिए, संगीत का भी ज्ञान दीजिए, ड्राइंग भी सिखाइए, और साथ साथ में उन्होंने कहा इसे जिम्नास्टिक भी कराइए इसी उम्र से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। इस उम्र में ही उन्होंने प्राथमिक शिक्षा के साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोली वो थी जिम्नास्टिक। ऐसा क्यों बोला उन्होंने? उन्होंने कहा उस समय जो है ना बच्चे की हड्डियां ऐसी होती हैं जैसे ढालोगे वैसा होता है, जैसे बच्चा होता है ना उसका शरीर भी वैसा ही होता है। जिम्नास्टिक की जो शिक्षा दी जाती, जो आप देखते हैं ना कि रबड़ की तरह उछलते हैं, वो
क्या सोचते हैं आप, हम आप लोगों की उम्र में जा करके सीखते हैं, गलत। तो फ्लेक्सिबल बॉडी उसी समय से होती है जब वो शरीर भी फ्लेक्सिबल रहता है। अब हमारी हड्डियों को इधर उधर करते तो वो तो आएंगे ही नहीं अपनी जगह, है कि नहीं। इसलिए इन्होंने जिम्नास्ट को जो है महत्व दिया, किसमें, 7 से 14 साल की उम्र में। उससे कम उम्र के बच्चे के लिए भी ठीक नहीं, 3 साल के बच्चे की हड्डी मोड़ दी आपने, बरोड़ दी, वो रो रहा है पर आपको पता ही नहीं है कि इसकी तो हड्डी मोड़ मोड़ रखी है। बताने लायक भी हो जाना चाहिए ना बच्चा की हड्डी मोड़ दी भाई आपने, ठीक है। फिर है 14 से 21 वर्ष। 14 से 21 वर्ष में इन्होंने कहा माध्यमिक शिक्षा। माध्यमिक मतलब जैसे हम अभी कहते हैं कि 10वीं तक की शिक्षा, इसमें इन्होंने कहा किस पर ध्यान देना चाहिए माध्यमिक शिक्षा में, साहित्य पर, यानी लिटरेचर पढ़ाइए बच्चे को, साथ में कविता, नाटक, संगीत, ये दिखाना भी है, लिखवाना भी है, करवाना भी है। नाटक उससे करवाएंगे तब वो फिजिकली भी सीख रहा है और मेंटली उसको पढ़ रहा है, दोनों तरह का ज्ञान उसको प्राप्त हो रहा है। क्योंकि अगर वो साहित्य या नाटक करता है तो नाटक करने से पहले उसको नाटक को याद रखना पड़ेगा, फिर नाटक प्ले करना भी पड़ेगा। संगीत की अगर बात करें तो पहले सुनेगा फिर गाएगा भी। तो उनका कहने का मीनिंग ये था नृत्य भी करवाओ कहा, और प्राथमिक शिक्षा वाली जो सब्जेक्ट है उनको जारी रखिए, उनका थोड़ा विस्तृत कर दीजिए। और लास्ट इन्होंने कहा 21 वर्ष, 21 से आगे इन्होंने कोई वर्ष ही नहीं बोला, इन्होंने कहा यही उम्र है, यहां से आप उच्च शिक्षा दिला दो, आपकी मर्जी, आप 3 साल का कोर्स कराओ, 4 साल का कराओ, आपकी इच्छा है, अपने बच्चे को यहाँ पर उच्च शिक्षा दे दो। वो उच्च शिक्षा कैसी होनी चाहिए, जो उसके जीवन को सुखी बनाने में मदद कर, करते भी है ना लोग, यहाँ पर कोई अपने बच्चे को HM करा देता है होटल मैनेजमेंट, कोई अपने बच्चे को जो है BTech कराता है, कोई BBA कराता है, कोई MBA कराता है। तो उसको कराने का मतलब क्या है, उससे अच्छे भविष्य के लिए ऐसा कराया जा रहा है ना कोर्स। तो कोई कोर्स 2 साल का होता है, कोई 3 साल का होता है, कोई 5 साल का होता है, चलता रहता है ऐसा। तो इन्होंने जो है आगे कोई उम्र नहीं, उन्होंने कहा यहाँ पर जो है एक चीज और कर सकते हैं उच्च शिक्षा में, सैन्य अभ्यास जो कराना चाहिए। देखो ये भी कहा राज्य की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि शिष्य किसके हैं, प्लूटो के। प्लूटो ने भी तो राज्य को माना है, आदर्शवाद में अरस्तु भी तो यही कहता है राज्य जरूरी है, अरस्तु ने भी, सॉरी सुकरात ने भी तो राज्य को इंपोर्टेंट माना है ना, प्लूटो ने भी माना है क्योंकि सुकरात का शिष्य है वो, अब प्लूटो का शिष्य कौन है, अरस्तु। इसने भी माना है, इसने कहा राज्य जरूरी है, तभी तो कह रहे सैन्य अभ्यास कराना चाहिए, रणनीति बनाना सिखाना चाहिए उसको, स्ट्रेटेजी पता होनी चाहिए किसी भी चीज के बारे में। और साथ में एक और चीज कहता है कि ये जो सैन्य अभ्यास और रणनीति है ये महिलाओं के लिए नहीं है, क्योंकि उनको लड़ना नहीं है, उच्च शिक्षा दे सकते कह रहा है, परंतु महिलाओं को ये सैन्य अभ्यास और स्ट्रेटेजी आवश्यक है। तो राज्य की बात आ गई ना, सैन्य अभ्यास क्यों कराया जाएगा, ताकि राज्य के लिए काम आ सके, और रणनीति क्यों बनाई जाएगी, ताकि राज्य को युद्ध में जिता सके। पहले के भाई युद्ध तो रणनीति से ही जीते जाते हैं, संख्या ज्यादा बल होने से कुछ नहीं होता, 1 से 10, 10 या 50 या 100 सियारों को भी मार सकता है, क्योंकि शेर में ताकत के साथ साथ बुद्धि भी तो है, सुअर है एक तरफ को जाते हैं वो, देखा है सुअर जब अटैक करता ना सौ करके जाएगा, आप बस ऐसी जगह खड़े हो जाइए जहां से फिर नीचे को ढलान हो, आप थोड़ा साइड हो जाइए, सुअर जाता रहेगा जब तक जगह होगी, बुद्धि नहीं है ना, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि ये ऐसा इनका जो है शिक्षा सिद्धांत ऐसा था, ठीक। दूसरा इनके शिक्षा सिद्धांत का उद्देश्य क्या था, इन्होंने कहा व्यक्ति द्वारा सद्गुणों की प्राप्ति की जानी चाहिए, जिससे क्या होगा स्वयं को वो अन्य लोगों से श्रेष्ठ सिद्ध कर पाएगा। श्रेष्ठ किसे कहेंगे, जिस पर अच्छे गुण ज्यादा होंगे ना, आप किसी व्यक्ति, दो व्यक्ति में आपको आकलन करना है कि कौन ज्यादा बढ़िया है, अच्छा आदमी है, आप क्या देखोगे उस पर, उसके गुण ही तो देखोगे, क्वालिटीज, जिसकी क्वालिटी ज्यादा है वो ज्यादा अच्छा आदमी। भाई क्रिकेटरों की बात करें, दो क्रिकेटर हैं, एक क्रिकेटर जो है वो खेलने में भी अच्छा है, व्यवहार में भी अच्छा है, स्ट्रेटेजी भी अच्छा बनाता है, और एक क्रिकेटर है जिसका व्यवहार उतना अच्छा नहीं, स्ट्रेटेजी उतनी अच्छी नहीं, लेकिन खेलने में बहुत अच्छा है। तो किसको आप ज्यादा प्रेफरेंस दोगे, खाली जो खेल रहा है, कभी कभी आपको भी चिढ़ा जाएगी ना, खेलता है पर साला है बेकार का आदमी, आप उसको ज्यादा प्रेफरेंस दोगे जो खेल भी अच्छा, खेलता भी अच्छा है, रणनीति भी अच्छी बना रहा है, और साथ में जो है जिसका व्यवहार भी अच्छा है। तो इसलिए वो कह रहा है कि सद्गुण जिसमें ज्यादा होंगे वो श्रेष्ठ साबित हो जाएगा। और इन्होंने कहा कि व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करके उसे राज्य का आज्ञापालक एवं उपयोगी सदस्य बनाना है शिक्षा का लक्ष्य। फिर से राज्य पे आगे, इनका राज्य के लिए काम आना चाहिए तभी शिक्षा है,
तो तीनों पर राज्य, ठीक है ना, तो राज्य से ये हटे ही है। फिर उन्होंने कहा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास क्यों? क्योंकि राज्य के लिए अगर जो आपको व्यक्ति चाहिए उसको शारीरिक रूप से भी तो हृष्ट पुष्ट होना चाहिए। कोई बेचारा अगर लंगड़ा है, माना पाँव से कमजोर है, उसको क्या बॉर्डर पे खड़ा करोगे? आप भावनात्मक रूप से कर दो चाहे, पर उचित नहीं। वहां आपको कैसा चाहिए? बिल्कुल फिट, जो बज भी सके भाई। फिर आप किसी अगर ऐसे दिव्यांग को वहां पर खड़ा कर रहे हैं ना, तो फिर तो आप मरवाना ही चाहते हैं ना उसको। फिर बचने का ऑप्शन होगा नहीं बेचारे के पास, वो तो गलत है। और इसके अलावा शिक्षा सिद्धांत की विशेषता इनकी क्या थी? इन्होंने कहा शिक्षा पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। तो प्लूटो और अरस्तु की शिक्षा लगभग मिलती जुलती, बहुत ज्यादा चेंज कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन इनका एक सिद्धांत है वो जरूर अलग है। अरस्तु ने एक सिद्धांत दिया विरेचन सिद्धांत, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। विरेचन सिद्धांत किसने दिया? पहले तो यही पूछेगा क्वेश्चन सीधे से। ये दिया था अरस्तु ने। क्या था विरेचन सिद्धांत, होता क्या है, विरेचन का मतलब क्या होता है, इसके डेफिनेशन को पढ़ेंगे, अपने आप में समझ आ जाएगा। अरस्तु के अनुसार कला और साहित्य के द्वारा हमारे यानी कि किसी भी व्यक्ति के दूषित मनोविकारों का उचित रूप से विरेचन हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, विरेचन का मतलब क्या हुआ, फिर से बता रहा हूं डेफिनेशन। कला और साहित्य के द्वारा हमारे दूषित मनोविकारों का उचित रूप से विरेचन हो जाता है। तो समझना होगा, थोड़ा धीरे बोलता हूं। कला और साहित्य के द्वारा हमारे दूषित मनोविकारों का उचित रूप से विरेचन हो जाता है। बोलो क्या कह रहे हैं? पॉजिटिव थिंकिंग नहीं, मैं यहां पे केवल ये कह रहा हूं कि ये विरेचन शब्द का अर्थ पूछ रहा हूं। वो तो उस वे में तो ठीक है, लेकिन ये अर्थ नहीं आ रहा है। ठीक कह रहे हैं आप, जो आप कह रहे हैं वो इसका जैसे जो डेफिनेशन है इसका जस्ट आप अपोजिट बता रहे हैं कि डेफिनेशन ऐसी है तो इसका अपोजिट ये हुआ। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव थिंकिंग की बात हो रही है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव थिंकिंग हो जाएगा। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि विरेचन का अर्थ क्या होगा फिर इस सिद्धांत के अनुसार। विरेचन सिद्धांत है ना, क्योंकि जो मैं परिभाषा बता रहा हूँ सेम ऐसी एग्जाम में दी, जरूरी नहीं क्योंकि विरेचन का अर्थ होता है, उस अर्थ को आप किसी भी शब्दावली में डाल सकते हैं और उस शब्दावली के अनुसार उसका अर्थ बता दो। मतलब शब्दों के रूप बदल जाएंगे। अगर वहां पर फिर मेरे द्वारा दी गई जो डेफिनेशन है वो अगर नहीं आई तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर आप उसमें फिर पॉजिटिव ढूंढते रह जाएंगे। इसे विरेचन का मतलब समझना है। देखो फिर से बता रहा हूं, बहुत सरल है, बताने जैसा कुछ है ही नहीं। कला और साहित्य यानी कि बात करें आर्ट और लिटरेचर जो होता है ना, कला और साहित्य के द्वारा हमारे जो दूषित मनोविकार हैं, दूषित मतलब खराब गंदे मन के विकार हैं, जो मन की जो बीमारियां हैं, वो उनका विरेचन हो जाता है। किसके द्वारा? कला और साहित्य के द्वारा। अब इसको समझना जरूरी है, मैं इसका अर्थ पहले ही बता देता हूं क्योंकि वो बहुत सरल है। देखो उसमें वो क्या कह रहा है भाई, देखो एक शब्द आ रहा ना बीच में दूषित मनोविकार, अब इसका मतलब तो आप समझ रहे ना, दूषित मनोविकार का मतलब क्या है, मन के ऐसे विचार जो क्या है, गंदे हैं। और इसका जो माध्यम बनेगा वो ये भी कह रहा है कि ये दूषित मनोविकार है ना, एक दूसरी चीज वो कह रहा है कला और साहित्य, ये माध्यम बनेंगे इन दूषित मनोविकारों को क्या करने के लिए, विरेचन करने के लिए। अब मुझे सिर्फ यही तो जानना था कि ये जो गंदे विचार हैं इनको हम कला और साहित्य के द्वारा इनका विरेचन कर सकते हैं या हो जाता है, तो ये विरेचन क्या है फिर? विरेचन का बस समाप्त होना, नष्ट होना, खत्म होना किसी भी चीज का। विरेचन का मतलब होता है कि उसको चेंज कर देना, चेंज भी वही है समाप्त कर देना या चेंज कर देना, चेंज ही तो हुआ। कोई चीज अगर समाप्त हो रही है तो फिर उसकी जगह कुछ ना कुछ तो आएगा, चेंज तो है, तो विरेचन हो गया ना उसका। सीधे से क्या हुआ, देखो दूषित मन, ये क्या है विरेचन को अब तब समझिए, दूषित मनोविकार है, मन में हमारे जो विकार है वो क्या है, दूषित गंदे हैं, गंदे मनोविकार हैं, उनको हम समाप्त कर सकते हैं।
उन मनोविकारों को, जैसा आपने बोला अब यहां पे बोल सकते हैं इसका अर्थ समझने के बाद, ये नेगेटिव की बात कर रहे हैं ना दूषित मनोविकार, इसको पॉजिटिव किया जा सकता है, लेकिन कैसे, कला और साहित्य के माध्यम से, वही इस विरेचन का अर्थ हो जाएगा। लेकिन साधारण अर्थों में इसका अर्थ क्या हो गया कि उसको धोना है ना, धोना है तो उस मैल को निकालने वाली बात है, उस मैल को, विरेचन का मतलब हो गया मैल निकालना, सीधे से धोना, साफ कर देना, मुक्त कर देना किसी चीज को, कई अर्थों में आ जाएगा। तो इसलिए जो है वो परिभाषा जरूरी नहीं है कि जो मैं बता रहा हूं वही आएगी, ठीक है ना। तो इनके विचारों पे हमने चर्चा की, तो फिर से ये बताना चाहूंगा कि दोनों के विचारों में किसको महत्व दिया गया, राज्य को महत्व दिया गया, आप देख रहे हैं। और उसका रीजन ही क्या है, क्योंकि प्लेटो का ही शिष्य कौन है, अरस्तु है, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा दोनों की शिक्षा व्यवस्था जो शिक्षा का जो पाठ्यचर्य है वो अलग अलग है। वो शैशव अवस्था में कह रहा है कि बच्चे को ये कराओ, फिर व्यायाम कराओ, 30 साल तक पढ़ाओ, कह रहा है उच्च शिक्षा दो, 30 साल के बाद कह रहा है दर्शन का अध्ययन कराओ, कहीं कहीं थोड़ा लेंथी लेके जा रहा है प्लूटो। लेकिन अरस्तु कह रहा है 21 के बाद कुछ ना कुछ ऐसा करा दो भाई, आगे की भी तो जिंदगी है। ये कह सकते हैं कि प्लूटो से ज्यादा ये अरस्तु जान गया था कि कलयुग है ना, क्योंकि जो 100 साल की उम्र थी, अब कौन से लोग 100 साल जी रहे हैं भाई बताओ। अगर हम आज के हिसाब से बच्चे को ये कहें कि बेटा कोई बात नहीं 25 साल तक पढ़ते रहो, 25 साल में तो कुछ हो ही नहीं ना भाई। बच्चा अगर आज 18 साल का हो रहा है ना, आज 18 साल का हो गया, आज से 4 महीने पहले माना कोई भर्ती निकली है पीसीएस की, भर्ती को लग रहा है 8 साल, तब तक बच्चा 26 साल का हो जा रहा है जब वो एक भर्ती दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि तब तक रुका रहेगा वो, अगर एक में कहीं गलती से सिलेक्शन नहीं हुआ तो अगले 8 साल फिर जोड़ लो, 26 और 8 34 साल का हो गया फिर वो, और फिर सब परेशान होंगे कि इसकी शादी नहीं हो रही, कहां से होगी बताओ, न तो सक्सेस हो पाया है ना। चलिए ठीक है।